हाय एवरीवन, सत श्री अकाल सारिआं नूं। बहुत बहुत स्वागत है बच्चा अज दी क्लास दे विच, जिहदे विच आपां गल कर रहे हां 300 MCQs दी। संडे दा दिन है ते आपां अज मैराथन करन वाले हां। जल्दी नाल दसो, मैं ऑडिबल हाँ? तुसी सारे वेट कर रहे सीगे तां करके अज मैं 2 मिनट पहला आ गई, तां कि आपां अज दा मैराथन जिहड़ा है वधिया तरीके नाल कंडक्ट कर सकीए। वेट कर रहे सीगे सारे जने हैं। हाँ जी, वॉइस वगैरह सही हैगी है? प्रॉपरली है वॉइस? हेलो, गुड मॉर्निंग जी गाइस, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, जल्दी नाल सारे जने इस वीडियो नू शेयर कर दो ताकि साढ़े सारे स्टूडेंट्स जे है वो साढ़े नाल जुड़ जान। गुड मॉर्निंग जी, वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। मैनू लगता सवेर का ही वेट करी जाने हैं। हाय, सो दिस इज़ याशिका चंदन गाइस प्रेजेंटिंग यू मैराथन क्लास ऑन संडे। आज आप बहुत सारे MCQs जड़े हैं डिस्कशन करांगे। अगर तुसी पंजाब पुलिस PSSB दे आने वाले एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे तुसी हाई कोर्ट की क्यों ना तैयारी कर रहे हो, सारे एग्जाम्स के लिए यूजफुल होएगा क्योंकि ये आप जनरल सब्जेक्ट्स जड़े आज डिस्कशन लेके आने वाले हैं। ठीक है जी? हाँ जी, होनी सी मेरी मैराथन बच्चे 11 बजे सी, तो 11 बजे ही मैं हूँ मेजरली 2 मिनट पहला आ गई हाँ क्योंकि तुम सारे वेट कर रहे थे। करिए फिर आज दी मैराथन जड़ी है स्टार्ट। वॉइस ओके है, दैट्स ग्रेट। चलो फिर 1 मिनट होर वेट करांगी। रीज़न 11 बजे स्टार्ट होनी, 11 बजे ही स्टार्ट कर दें आप। शुक्र है। ओके, वेरी गुड मॉर्निंग जी, वेरी गुड मॉर्निंग। आज दी मैराथन दे विच आप डिस्कशन करांगे पॉलिटी, हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशंट मेडिवल हिस्ट्री। ठीक है, थोड़ी ज्योग्राफी आज दे सेशन दे विच रखी गई है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के क्वेश्चन रखे गए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन रखे गए हैं। चलो स्टार्ट कर दें। पहला क्वेश्चन थोड़े सामने आता है, जल्दी नाल इस क्वेश्चन को देखो, 11 बज चुके ने, हुण आपां अपना सैशन स्टार्ट कर दें। देखो पहला क्वेश्चन की कहता है, हू कैन एस्टैबलिश कंस्ट्रक्ट मैनेज जिहड़े प्राइमरी स्कूल्स होंदे ने, या तुहाडी डिस्पेंसरीज होंदियां ने, या तुहाडे मार्केट्स होंदे ने, या फिशरीज रोड्स होंदियां ने। ठीक है, सो ऑन द ट्राइबल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स, कौन मैनेज इस्टैबलिश कर सकता है, कंस्ट्रक्ट कर सकता है ट्राइबल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स दे विच? ऑप्शन दिते गए ने बच्चा, गवर्नर, डिस्ट्रिक्ट कौंसिल, लैजिस्लेटिव असैम्बली, या नन ऑफ द अबव। हाँ जी, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नहीं, मैनू पता सी इत्थे कि तुसी गलती करन वाले हो, ध्यान नाल आंसर देखो की आएगा बच्चा। चाहे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स है, जिन्हें भी स्कूल्स वगैरह, देखो गवर्नर इन्ना भी फ्री नहीं हैगा कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स दे विच जिहड़ा कंस्ट्रक्ट करेगा, मैनेज करेगा प्राइमरी लैवल दे स्कूल्स नू। ये कौन करती है? ये तुहाडी करती है डिस्ट्रिक्ट कौंसिल। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कौंसिल को ले पावर होंदी है कि वो तुहाडे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स दे विच एस्टैबलिश कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं प्राइमरी स्कूल्स, डिस्पेंसरीज, मार्केट्स, फेरीज दे विच। ते इत्थे जिहड़ा बी विल बी द राइट आंसर, नॉट गवर्नर। याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन दी ओर वधदे हां। क्वेश्चन कहिंदा है, इन विच ईयर वाज द नेशनल बायोडिवर्सिटी अथॉरिटी एस्टैबलिश? तुहानू ये गल दसनी है कि जदों आपां गल करी NBA दी, इसनों एस्टैबलिश कदों किया गया? ऑप्शन दिते गए ने 2001, 2002, 2003 या 2004। साडा भारत, अगर गल करिए इंडिया की गल करिए, बायोडिवर्सिटी है। बायोडिवर्सिटी का मतलब क्या होता है बच्चा? बायो का मतलब होता है लाइफ, डाइवर्सिटी का मतलब होता है भिन्न भिन्न प्रकार दी प्रजातियां पाई जांदियां ने। ये एक तरीके की स्टैचुअरी बॉडी है, मतलब नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इसनों नहीं बनाया गया, पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा बनाया गया है, जो गवर्नमेंट नू एक तरीके दे नाल हेल्प करती है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी नू मैनेज करन लई। तो आंसर इहदा की आएगा? 2003। ठीक है, 2003 दे विच नेशनल बायोडिवर्सिटी अथॉरिटी, या जिन्हों आप NBA कहने हाँ, इसनों आप एस्टैबलिश किया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की गल कर दें, अगला क्वेश्चन आ जाओ फिर। क्वेश्चन कहता है, जब आप गल करते हैं, डैश इज कंसीडर ओल्डेस्ट डिस्कवरी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन।
इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे अगर असी गल करिए, ये ओल्डेस्ट डिस्कवरी केड़ी है? हाँ जी गाइज, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन कहता है ब्रिदना, मोहिंजोदारो, राखीगढ़ी या अलहिंदनो। ओल्डेस्ट डिस्कवरी तुहानू दसनी है सब तो पहला, जिवें आपां कहिंदे ना कि हरप्पा सिविलाइजेशन सब तो पहला डिस्कवर की गई, उन्हें दे ओल्डेस्ट डिस्कवरी तुहानू दसनी है। नो नो नो, आंसर आएगा बच्चा ब्रिदना। ठीक है, ब्रिदना जिहड़ी है ये कंसीडर की जाती है ओल्डेस्ट डिस्कवरी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्योंकि प्री हरप्पन टाइम से भी इन्हू डिस्कवर किया गया सीगा। आंसर जिहड़ा है इत्थे आएगा ए, तुसी सारयां दा आंसर गलत हो गया। अगेन ये क्वेश्चन बच्चा ट्रिकी क्वेश्चन सीगा जिहड़ा मैं तुहाडे लई डालिया। अच्छा लगे अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन सीगा। चलो नैक्सट क्वेश्चन, अगला आ जाओ। कहिंदा किहड़े पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है जो डील करता है पंचायत दे नाल। जदों साडा भारत का संविधान बनिया सी पंचायत तां सीगी नहीं, ठीक है, बट एक अमेंडमेंट हुई, उस अमेंडमेंट का नाम सीगा 73rd अमेंडमेंट। ये अमेंडमेंट कदों हुंदी है? ये अमेंडमेंट हुंदी है 1992 दे विच, ठीक है। 243 तो लैके 243O तक ये आर्टिकल्स इनकलूड होंगे ने जो कि पंचायत सो डील करते हैं। हुण किहड़े पार्ट दे विच आपां इनकलूड किया? यस वेरी गुड, पार्ट नंबर 9। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए शड्यूल च किहड़े वेले आपां शड्यूल दे विच सबजैक्ट्स एडअप किए तो तुहाडा शड्यूल आएगा 11। आंसर जिहड़ा है इत्थे आएगा 9th, ए विल बी द राइट आंसर। देखो किन्ना वधिया क्वेश्चन सीगा। ये भी तुहानूं याद रखना है कि किस कमेटी ने ये रिकमेंडेशन दिती कि पंचायती राज सिस्टम नू अपा 3 टायर सिस्टम दे विच जिहड़ा है लैके आवांगे, वो आएगी बलवंत राय मेहता दी कमेटी। अगर तुहानू ये पूछा जाए कि किस आर्टिकल दे तहत ये गल कीती गई कि पंचायती राज नू ऑर्गनाइज करना चाहिए है, वह है डायरेक्टिव प्रिंसीपल ऑफ द स्टेट आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 40 जो ये गल करता कि विलेज पंचायत नू ऑर्गनाइज करना चाहिए है। गांधीयन प्रिंसीपल दे अकॉर्डिंगली ये आर्टिकल हैगा। ये गल की जाती है गांधी जी मनते सीगे कि जिहड़ा रियल भारत है और रूरल इंडिया दे विच है, ते आर्टिकल नंबर 40 दे विच ये गल की गई कि पंचायती राज सिस्टम नू ऑर्गनाइज जिहड़ा है करना चाहिए है। अच्छा, किस कमेटी ने रिकमेंडेशन दी पंचायती राज दे विच, ते तुहानू याद रखना है अशोक मेहता की कमेटी। बाद चो रिकमेंडेशन दी सी कि स्ट्रोंग किदा कर सकते हैं आपां 3 टायर सिस्टम। अगर क्वेश्चन आवे कि कहड़ा इदा दा स्टेट है जिसने पंचायती राज सिस्टम च सब तो पहला इदा दा बनिया जिन्हें 3 टायर सिस्टम जिहड़ा है अपनाया, वो तुहानू याद रखना है राजस्थान है। दूजे नंबर पे केड़ा है? आंध्र प्रदेश है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट गल्ला ने याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। चलो बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन, अगली क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि सपोज करो एक बिल की क्रिएशन की गई है, अ बिल फॉर द क्रिएशन ऑफ अ न्यू स्टेट इन इंडिया इज रिक्वायर्ड टू बी पास्ड इन द पार्लियामेंट बाय, इज रिक्वायर्ड टू बी पास्ड इन द पार्लियामेंट बाय। सपोज करो कहिंदा है कि पार्लियामेंट ने एक नवा स्टेट क्रिएट करना है, ठीक है, नवा स्टेट क्रिएट करना है या किसी स्टेट की बाउंड्री नू अल्टर करना है, ठीक है, किहड़ी मेजोरिटी सानू चाहीदी होएगी, किस मेजोरिटी दे नाल जिहड़ा है आपां काम करांगे? यस जल्दी नाल दसो। यस सिंपल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी का मतलब की है? सपोज आपां कोई भी अगर बिल पास करते हाँ तो पार्लीमेंट के जिहड़े मैंबरस होंगे ने वोट करते हैं। हुण सिंपल मेजोरिटी की कहती है कि भाई 50% तो ज़्यादा मैंबरस प्रेजेंट तो वोटिंग होने चाहिए ने। हुण सपोज करो अगर आपां कहने 545 मैंबरस है टोटल लोकसभा दे, 45 विचों 145 जिहड़े एबसेंट हैगे ने, 400 तुहाडे प्रेजेंट हैगे ने, ते उहनां दे विचों तुसीं कह लो 100 वोट नहीं कर सकते, एबस्टेन फॉर वोटिंग है, वोट सिर्फ किन्ने कर सकते हैं 300 वोट कर सकते हैं, तो 300 प्रेजेंट है, एदा 50% किन्ना होएगा 150 होएगा, तो प्लस लगा लो एक, तो 50% तो ज़्यादा जड़े अगर वोट करेंगे तो उन्हें आप कहेंगे कि भाई पार्लीमेंट जी है एक नवे स्टेट की क्रिएशन कर सकती है या इनू अल्टर भी कर सकती है। और आर्टिकल नंबर जिहड़े फर्स्ट पार्ट के आते हैं फर्स्ट तो लैके 4 आर्टिकल ये सारे ये डील करते हैं, ठीक है, समझ आ गई बच्चा, क्लियर हो गया क्वेश्चन ये वाला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की गल करते हैं, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बच्चा। क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स हैज अ प्रोविजन ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ अ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्री। की कहना है कि केड़ा आर्टिकल इदा दा है जो जिहदे कोल ये प्रोविजन है कि वह पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स कर सकता है मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्री। डायरेक्टिव प्रिंसीपल ऑफ द स्टेट पॉलिसीज दे विच ये आर्टिकल हैगा, केड़ा आर्टिकल होएगा बई, केड़ा ये कहिंदा है कि बई तुसी वर्कर्स नू मैनेज करो इंडस्ट्रीज दे विच,
अच्छे स्टेप्स जड़े है चक्को गवर्नमेंट कहता है ताकि तुसी सिक्योर कर सको पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर्स दे लई। यस वेरी गुड 43 ए आर्टिकल बिल्कुल सही। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी केड़े पार्ट दे विच डिफाइन होंदे ने, पार्ट नंबर 4th दे विच। ए वी तुहानू गल याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। ए बाइंडिंग मतलब तुसी कह लो इनफोर्सिबल इन नेचर नहीं होंदे, स्टेट दी अपनी मर्जी होंदी है मन्ने या ना मन्ने। अगले क्वेश्चन दी और, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा, अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंशिएंट रिटन बाय बनभत्ता। हाँ जी, बनभत्ता के द्वारा केड़ी बुक जड़ी है बच्चा लिखी गई सी। बनभत्ता के द्वारा केड़ी बुक जड़ी है लिखी गई सी बच्चा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोमांटिक नोवल है जिदा नाम है कदम्बरी। ठीक है, 7th सेंचुरी दे विच इन्होंने लिखी सी, बनभत्ता दे द्वारा इसनू लिखा गया सी कदम्बरी। याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम दे विच पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन दी और। क्वेश्चन कहता है कि जो आप महिंजो दारो के बारे गल करते हैं, ठीक है, महिंजो दारो सिचुएटिड है ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। केड़ी रीवर ते मोहिंजो दारो सिचुएटिड है? ऑप्शन दिते गए ने सरस्वती, रावी रीवर, घग्गर रीवर या सिंधु। मोहिंजो दारो बच्चा, इट्स अ वेरी ईजी क्वेश्चन। मोहिंजो दारो इतने ग्रेट बात भी तुम ग्रेट ग्रेनरी भी देखने को मिली सी। मोहिंजो दारो के बारे अगर असं गल करिए, ग्रुप ऑफ माउंट्स भी कहा जाता है। ए राइट बैंक ऑफ द इंदस रीवर कितने आएगा? नॉर्थन सिंध, बिल्कुल सिंधु विल बी द राइट आंसर। प्रोविंस पाकिस्तान, आंसर जरा है डी आ जाएगा। बहुत कल बच्चे वधिया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन फिर आ जाओ, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है द हैंगिंग गार्डन्स ऑफ द बेबलन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग एंशियंट कल्चर। हाँ जी, एक हैंगिंग गार्डनस जोड़े है बेबलन के पूछे गए हैं, जिन्होंने कई बार आप फैबल गार्डन के नाम तो भी जानते हाँ। ये बिल्ड किए गए एक किंग के द्वारा, किड़े किंग के द्वारा किस टाइम के गए से, यह क्वेश्चन पूछा गया है कि इजिप्टियन के द्वारा किए गए से, मैसोपोटामिया के गए से, चाइनीज़ के द्वारा किए गए थे या हरप्पन के गए से। इनू सत वंडरस कहा जाता है, जिवें आप कहने ना सत जो अजूबे है साड़ी दुनिया के, उन्हां 7 वंडरस इन्हां नू इनकलूडिड किया जाता है। नहीं बच्चा हरप्पन नहीं आएगा, आंसर विल बी मैसोपोटामिया। ये क्वेश्चन थोड़ा पंजाब पुलिस के आया हुआ है, उतों ही मैं क्वेश्चन चक्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन सीगा, मैनू लग्या कि तुहानू पता होना चाहिए है। चलो नेक्स्ट आ जाओ फिर, वेरी गुड। हाँ जी, अगर क्लास अच्छी लगती है आपको करना है लाइक कर दो सारे जने, जो तुम्हें क्लास अच्छी लगती है। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आ जाओ अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज अ ऋग्वेदिक नेम ऑफ द रिवर रावी। जो भी आप गल करते हैं रिवर रावी की, यद रिग नेम की होएगा? ऋग्वेदिक, ऋग्वेदिक की है? ऋग्वेदा एक तरीके का ओल्डेस्ट वेदा है, है ना। ये डिफरेंट डिफरेंट रिवर्स के बारे दसिया गया सीगा। हुण जिवें आपां वितासा दे बारे गल करदे हां, वितासा नूं किहनूं कहिंदे आपां? झेलम नूं कहांगे, ठीक है। अस्किनी किहनूं कहिंदे आपां? अस्किनी आपां कहिंदे चिनाब नूं, ठीक है। शतुद्री किहनूं कहांगे आपां? हाँ जी, ये आपां कहांगे सतलुज नूं। बचदा की है? परुशनी। परुशनी जिहड़ी आ जाएगी तुहाडी, रावी रिवर विल बी द राइट आंसर। आंसर जिहड़ा है इत्थे आ जाएगा डी। यस ओके नैक्सट, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है बच्चा ऋग्वेदा इज डिवाइडेड इनटू डैश बुक्स और मंडल्स। स्लो करावा? चलो ठीक है, थोड़े स्लो हो जाने हैं। नमस्ते जी, जो भी आप ऋग्वेदा की गल करते हैं, ऋग्वेदा नू केड़े मंडल्स या बुक्स के विच डिवाइड किया जाता है? ऑप्शन दिते जाते हैं 34, 10, 8 या 12। हाँ जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो भी ऋग्वेदा की गल की जाती है किड़े मंडल से, बिल्कुल 10 मंडल से विच इनू डिवाइड किया गया है। तो ऋग्वेदा की गल करिए, एदे विच किन्ने हिम्स है? 1028 हिम्स कह सकते हैं इन्हें विच अपा? यस, आंसर जिहड़ा है 10 मंडलों के विच इनू डिवाइड किया गया है, बिल्कुल सही। ओके नैक्सट, चलो नैक्सट। इन विचों केड़ी तुहाडी आर्कोलॉजिकल साइट होएगी जिदे विच एविडेंस तुहानू मिलिया पिट डवेलिंग्स दा? ऑप्शन दिते गए ने मेहरगढ़, बुरजम, राणा खुंदई या पलवोए। पिट डवेलिंग,
हाँ जी बहुत ही अच्छा आंसर सचिन महाजन ने सानू देता, नवनीत गोयल ने भी सानू आंसर देता मेजरली ए विल बी द राइट आंसर, बी विल बी द राइट आंसर। यस बुरजोहम ते सानू एक आर्कोलॉजिकल साइट है जिथे सानू जड़ा है पिट ड्वेलिंग्स दी देखिया। अच्छा अगर ये पूछा जावे बच्चा काली जड़ी बेंगल्स होंदिया ने ठीक है ब्लैक बेंगल्स ये तानू कित्थे देखने नू मिलिया, तानू दसना इंडस वैली सिविलाइजेशन दी एक साइट है जिथे सानू ब्लैक बेंगल्स देखने नू मिलिया, ये भी दसी ऑप्शन की आएगा। अगला क्वेश्चन थोड़ा होर स्लो करावा बच्चा, ज्यादा फास्ट हो रहा है। हाँ जी की चाहते हो थोड़ा स्लो कराइए, ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा, चलो स्लो करा देने थोड़ी अगर ज्यादा फास्ट लग रहा है, वैसे तो मैं बहुत स्लो चल रही हूँ। यस काली बंगन विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कहते द स्कल जिन्हों आप कहने होमो इरेक्टस ये थोड़ा फाउंड होंदा है, बच्चा नोट करने की लोड़ नहीं, तुहानू पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्री हिस्टोरिक इंडियन साइट्स, हाँ जी द स्कल या होमो इरेक्टस स्कल कित्थे मिलिया सीगा, केड़ी प्री हिस्टोरिक साइट्स दे विच सानू देखने नू मिलिया सी। ऑप्शन दिते गए ने पंचमरी हथनोरा पतने या संगनकलू। हाँ जी हथनोरा ते मिली सी स्कल कैप, सानू हथनोरा ते मिली सीगी। यस बिल्कुल सही है, ये भी तुहाडा एक एंशंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है जो तुहाडे एग्जाम दे विच आया होया सी, उत्थों ही पाया मैं। चलो नैक्सट विद द रेफरेंस टू द वेदांगास, वेदांगास नू रेफर करो, इन्हां विचों केड़ी टर्म जिहड़ी है जिहड़ी रिचुअल नू डोनेट करेगी। आंसर टिक कर देंगे कोई गल नहीं। हाँ जी विद रेफरेंस टू द वेदांगास इन्हां विचों केड़ी टर्म है जिहड़ी तुहाडी रिचुअल नू बच्चा डोनेट करेगी, वेदिक्स रिचुअल्स नू की कहा जाता सीगा, ये गल पूछी गई है। जिवें ईवेंट्स होंगे ना जदों इंसान जन्म लैंदा है, उसकी वैडिंग होंदी है या डैथ होंदी है, ये रिचुअल्स आपां परफॉर्म करते हैं, है ना, इस रिचुअल्स नू आपां की कहिंदे सीगे। किसी बच्चे ने आंसर सही दिता है, उन्हां दा नाम है रजिंदर कौर, आंसर विल बी बच्चा कल्पा, कल्पा विल बी द राइट आंसर, सी विल बी द राइट आंसर, कल्पा कहा जाता है वेदांगस यानी कि वेदिक सिविलाइजे वेदिक सोसायटी के विच इन्हां नू आपां कल्पा कहिंदे सी रिचुअल्स। चलो नैक्सट अगले क्वेश्चन दी ओर कहिंदे एट वन स्टेज इन द वेदिक एज जिहड़ा किंग हुंदा सी उहनू गोपति कहा जाता सी, इहदा मतलब की है वेदिक एज दे विच जिहड़ा किंग सीगा उसनू गोपति कहा जाता सीगा, इहदा मतलब की है, इहदा मतलब है कि वह लॉर्ड सीगा यूनिवर्स का, वह लॉर्ड सीगा पीपल का, वह लॉर्ड सीगा लैंड का, या लॉर्ड हुंदा सी कैटल का। नहीं विपरीत सिंह जी हुण नहीं हुंदी, हुण उहने अकैडमी लैफ्ट करती है सी। हाँ जी अड्डा 247 तो हुण बिलोंग कर दिया मैं। नो 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 आंसर विल बी लॉर्ड ऑफ कैटल बच्चा, क्यों, क्योंकि जो आप वेदिक एज की गल करते हैं ना वेदिक एज के तुम्हें देखने मिलता है कि उत्थे कैटल नू बहुत ज़्यादा पूजा जाता सी, मेजरली कैटल जी होंगी सी उन्हां दी कह लो एसट हुंदा सीगा, ते आप कह सकते हैं कि लॉर्ड ऑफ कैटल विल बी द राइट आंसर, कि गोपति का मतलब की हुंदा सी कि वो लॉर्ड ऑफ कैटल हुंदे सी, जिहड़ा आंसर इत्थे आएगा डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है लॉर्ड ऑफ कैटल एग्जैक्टली। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है द डैश इज अ जैन टेक्स्ट कंटेनिंग बायोग्राफीज ऑफ द जैन तृंतकारास, जिदे विच मेजरली तुहानू देखण नू मिलदा है प्रश्वनाथ एंड महावीरा, ये तुहानू दसना है कि इहदे विच आंसर आएगा। हाँ जी पीडीएफ जो है आफ्टर अ क्लास तू कमेंट सैक्शन के पिनअप कर दी जाएगी, ऐप के डाउनलोड कर सकते हो। हाँ जी किस पर्टिकुलर सूत्रा के दसना या किस पर्टिकुलर टैक्सट जैन टैक्सट होएगा जिदे बायोग्राफी दी गई तिरंतकारा, तिरंतकारा की सी जैनिज़म के जो टीचर्स होंगे सके। हाँ जी बिल्कुल सही क्या
फोर जनास जिन्हां नूं आपां कहिंदे सीगे कल्पासूत्रा। कल्पासूत्रा एक तरीके का जैन टैक्स सीगा जिहदे विच बायोग्राफी सीगा। बायोग्राफी दा मतलब हुंदा आत्म कथा सीगियां जिहड़े महावीरा तीरंकारा हैगे ने या परशवनांत तीरंकारा है इन्हां दे बारे। ते टोटल इत्थे अपना आंसर जिहड़ा आ जाएगा फिर कल्पासूत्रा आ जाएगा। डी विल बी द राइट आंसर। चलो फिर नैक्सट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहिंदा है नेम द होली सिटी जिसनों रिकोगनाइज किया गया एज द बर्थ प्लेस ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ जैन तीरंथकारा। फर्स्ट ते फोर्थ जैन तीरंथकारा, सब तो पहला ये यह पता होना चाहिए कि फर्स्ट तीरंथकारा केड़े सीगे। ऑप्शन आंदा है याद रखना ऋषभ देव। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि फर्स्ट तीरंथकारा कौन सी, आंसर आएगा ऋषभ देव। अगर फोर्थ पूछा जाए तो याद रखना उन्होंने नाम की सीगा अभिंदन नंथा नाथ, अभिंदा नाथ। ठीक है, ये जैन तीरंथकारा सीगे। एक इन्हां दी जड़ी है बर्थ प्लेस कितने रिकॉग्नाइज की गई सी, आंसर विल बी सी अयोध्या। ठीक है, अयोध्या विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन फिर। हाँ जी, क्वेश्चन कहता है कि अगर आप प्रोमीनेंट बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर के बारे गल करिए इंडिया के विच, एक डैश स्तूपा है जो कि सारनाथ के विच कंस्ट्रक्टेड किया गया मौर्यन किंग के द्वारा अशोक के द्वारा, ये तुहानू दसना है कि केड़ा आंसर आएगा धौली धमेक भरूत या ललित गिरी। अशोक ने अगर असी गल करते हैं जो कलिंगा वॉर हुई सी उस तो बाद बुद्धिज़म नू अपना लिया सीगा क्योंकि बुद्धिज़म जिहड़ा है उन्होंने काफ़ी पीस मिलिया कलिंगा वॉर तो बाद उन्होंने काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन की सी। ते एक धमेक नाम का स्तूपा है, धमेक नाम का स्तूपा है जो कि सारनाथ के विच कंस्ट्रक्टेड किया गया सी मौर्नत मौर्यन किंग अशोका के द्वारा। धमेक स्तूपा के बारे अगर असी गल करिए संस्कृत वर्जन के लिखा गया सी बुद्धिज़म लिटरेचर के द्वारा। उसी तरीके नाल सारनाथ डियर पार्क एक सीगा जिथे बुद्धिज़म लॉर्ड गौतम बुद्धा ने पहली बार प्रीच किया सी, मतलब टीचिंग दी सी बुद्धिज़म के बारे। लॉर्ड बुद्धा के बारे अगर असी गल करिए इन्हों का जिहड़ा रियल नेम सी सिद्धार्थ सिद्धार्था सीगा। और अगर बुद्धिज़म के बारे आपां ये चीज़ देखिए कि बुद्धिज़म धर्म आया क्यों सीगा, क्यों रीज़न ये सीगा कि वैदिक सिविलाइजेशन जिहड़ी सी उहदे विच काफ़ी ज़्यादा कास्ट सिस्टम सी ते एक नवें जन्म जिहड़ा नवां जन्म जिहड़ा है धर्म दा लैंदा बुद्धिज़म। बुद्धिज़म दे विच ये गल कही गई सी कि जो भी तुहाडा इंसान जो भी सफ़र कर रहा किस वजह से सफ़र करता डिज़ायर की वजह नाल, जो भी दुख सानू देखने नू मिलते हैं वो डिज़ायर के कारण देखने नू मिलते हैं। चलो नैक्सट क्वेश्चन। हाँ जी, हैप्पी बर्थडे बाद चो कर लाँगे अपना, पहले आप पढ़ लीए थोड़ा। चलो अमनदीप सिंह हैप्पी बर्थडे। चलो अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स इज एसोसिएटेड विद द बर्थ ऑफ गौतमा बुद्धा। हाँ जी बच्चा, गौतम बुद्धा दे रिलेटेड तुहानू ये दसना है कि केड़ी साइट इस विच इनकलूडिड होएगी। आई रिक्वेस्ट यू ऑल, अगर तुहानू क्लास अच्छी लगती है मेरे एफर्ट्स अच्छे लगते हैं तुसी क्लास नू लाइक कर सकते हो। हाँ जी, की आंसर आएगा लुम्बिनी आएगा। लुम्बिनी नू आपां कहने बर्थ प्लेस ऑफ द लॉर्ड बुद्धा। बड़ी अजीब गल है कि जो लॉर्ड गौतम बुद्धा का जन्म होंदा है उदों भी फुल चांद होंदा है, जो उन्होंने मेजरली इनलाइटमेंट मिलती है उदों भी फुल चांद होंदा है, जो उन्होंने डैथ होंगी यानी कि महापरिनिर्वाण मतलब स्टेज के आ जाते तभी उन्होंने पूरा फुल चांद होंगे। तो बिल्कुल सही है, लुम्बिनी विल बी द राइट आंसर। बी विल बी द राइट आंसर जी है, इतने जड़ा है गौतम बुद्धा की बर्थ प्लेस मनी जाती है। तो जिते गौतम बुद्धा ने इनलाइटमेंट ली थी वो केड़ा पेड़ सी बोध गया जो कि है बिहार के। गौतम यानी कि बुद्धिज़म के टाइम पर एक यूनिवर्सिटीज़ भी आईया से तुम याद रखना नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी जी सी सब तो ज़्यादा ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी भी मनी गई सी। राइट, चलो नैक्सट अगले क्वेश्चन दी और बात दें हम बच्चा। नैक्सट क्वेश्चन आता है, हाँ जी, लोमस ऋषि केव ये तो दसना है कंस्ट्रक्टेड किया गया बुद्धिस्ट मॉन्क्स के लिए कितने लोकेटिड है, किस स्टेट के विच लोकेटिड है लोमस ऋषि केव। इनू कई बारी आप भी कहने ग्रोटो ऑफ लोमस ऋषि। हाँ जी, बिहार दे विच हैगी है। अच्छा, बिल्कुल सही है। अगर असी देखिए मैनमेड केव भी है एक बराबर केव्स, ये भी तुहानू देखण नू मिलती है इंडियन बिहार दे विच। बिल्कुल सही आंसर है कि जो आप लोमस ऋषि केव दी बारे गल करते हैं ये सानू कित्थे देखण नू मिली, बिहार दे विच। बिल्कुल सही है। चलो नैक्सट क्वेश्चन फिर आ जाओ।
ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚ ਮੌਰੀਅਨ ਰੂਲਰ ਬਿਕੇਮ ਆ ਫੋਲੋਅਰ ਆਫ ਬੁੱਧੀਜ਼ਮ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਮੌਰੀਅਨ ਰੂਲਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱਧੀਜ਼ਮ ਦੇ ਫੋਲੋਅਰ ਬਣ ਗਏ ਸੀ ਕਲਿੰਗਾ ਵਾਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਅਸ਼ੋਕ ਦੀ ਗ੍ਰੇਟ ਯੈਸ ਇਹ ਬੁੱਧੀਜ਼ਮ ਦੇ ਫੋਲੋਅਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਂਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਆਂਸਰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਬਾਜੀ ਮਾਰ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਂਸਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸੀ ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਗਾਈਸ ਅਸ਼ੋਕ ਆਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਲਿੰਗਾ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਸ਼ੋਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬੁੱਧੀਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਕਹਿ ਲਓ ਰਾਜਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਤੂਪਾ ਸਾਈਟ ਕਿਹੜੀ ਇਹਦਾ ਵਿੱਚ ਸਤੂਪਾ ਸਾਈਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕੇਟਿਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਯੈਸ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜੀ ਸੀ ਅਗਰ ਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹ ਬਰਹੂਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਤੂਪਾ ਸਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਕੇਟਿਡ ਹੈ ਸਤਨਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਿਹੜਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ ਸਤਨਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਇਹ ਸਤਨਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਿੱਥੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਬੁੱਧੀ ਸਤੂਪਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਸਤਨਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਚੌਕੰਡੀ ਧਮੇਕ ਜਾਂ ਰਾਮਾਭਰ ਅਤੇ ਆਂਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸੀ ਬਰਹੂਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਂਸਰ ਦਿਓ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਟੇਬਲ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬੱਚਾ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਫੋਕ ਡਾਂਸ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਲੋਂਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੇਟਰੀ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਧੂਮਲ ਹਫੀਜ਼ਾ ਰੌਫ ਜਾਂ ਦੰਗੀ ਹਾਂਜੀ ਰੌਫ ਡਾਂਸ ਬੱਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੰਗੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਦੰਗੀ ਡਾਂਸ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੇਗਾ ਧੂਮਲ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹਫੀਜ਼ਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰੌਫ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੰਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਦੰਗੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੰਗੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੰਗੀ ਨ੍ਰਿਤ੍ਰਿਆ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੇਗਾ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੇਗਾ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਧੂਮਲ ਹਫੀਜ਼ਾ ਰੌਫ ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਚਿਰਾਵਾ ਇੱਕ ਏਨਸ਼ੀਅੰਟ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਂਸ ਹੈ ਕਿਸ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਆਂਸਰ ਦਿਓ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚਿਰਾਵਾ ਇੱਕ ਏਨਸ਼ੀਅੰਟ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਂਸ ਹੈ ਕਿਸ ਸਟੇਟ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਮਿਜ਼ੋਰਾਮ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਗੋਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 6 to 8 ਪੀਪਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਪੀਪਲ ਤੱਕ ਉਹ ਬੈਂਬੂ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਬੂ ਦੇ ਡੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾੜਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਬੈਂਬੂ ਦੇ ਡੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡਾਂਸ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੱਚਾ ਮਿਜ਼ੋਰਾਮ ਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਮਿਜ਼ੋਰਾਮ ਦਾ ਇਹ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਂਸ ਹੈ ਛਿਰਾਵਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਇਹ ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੁੱਚੀਪੁੜੀ ਡਾਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਓਰੀਜਨੇਟ ਹੋਇਆ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਕਰਨਾਟਕਾ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕੁੱਚੀਪੁੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕੁੱਚੀਪੁੜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਓਰੀਜਨੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਹੋਏਗਾ ਕਰਨਾਟਕਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਹੋਏਗਾ ਆਂਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕੁੱਚੀਪੁੜੀ ਜਿਹੜਾ ਡਾਂਸ ਹੈ ਇਹ ਓਰੀਜਨੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਫਿਰ ਇੱਕ ਫੇਮਸ ਡਾਂਸਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਟੀ ਬਲਾ ਸਰਸਵਤੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਡਾਂਸ ਫੋਰਮ ਨੂੰ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕੁਚੀਪੁੜੀ ਭਰਤ ਨਾਟਿਅਮ ਕੱਥਕ ਜਾਂ ਕੱਥਕ ਕਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਡਾਂਸ ਫੋਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੇਜਰਲੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ
तमिलनाडु तो यह बिलोंग करता है, इसका जरा ओरिजिनेशन है वह तमिलनाडु के होया सी। यस वेरी गुड, भरतनाट्यम विल बी द राइट आंसर। टी बला सरस्वती भरतनाट्यम तो रिलेटिड है, तो यह गल तुम याद रखनी है जो है भरतनाट्यम ओरिजिनेशन कितों होया तमिलनाडु। चलो नैक्सट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि किसनों एक टाइटल मिलया, ठीक है, गंगा कौंडा छोला द कॉनक्यूर ऑफ द रिवर ऑफ गंगा। किनू यह टाइटल जरा है दिता गया सी कि उसने गंगा रिवर नू जितया सी। जिवें जहांगीर होंदा उन्हें कहा जाता है कॉनक्यूर ऑफ द वर्ल्ड, जग नू जितण वाला, है ना। यस, की आंसर आएगा? सी विल बी द राइट आंसर। वेरी गुड आंसर जरा है राजेंद्र छोला फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। कि राजेंद्र छोला फर्स्ट इतने राइट आंसर आएगा कि इन्हों ये टाइटल मिलिया द कॉनक्यूर ऑफ द रिवर गंगा। चलो नैक्सट। फिर कहते एक मोनूमेंट्स है ऑफ खुजराओ इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। ये बहुत ही ज़्यादा फाइन डेनोटेशन है किस डायनेस्टी के, जेडे खुजराओ के जिन्हें भी मोनूमेंट्स बनाए गए हैं, ठीक है, ये किस पर्टिकुलर डायनेस्टी के द्वारा तुम्हें देखने को मिलते हैं। जिमें आप कह लें ना कि महाबलीपुरम के पलवा डायनेस्टी सी, है ना, रथ्स वगैरह या टैंपल्स वगैरह उत्थे बनाए गए, इतने केड़ी जी सी। एक बच्चे ने आंसर भी देता मैम चंदेला डायनेसटी इतने आएगा, जिन्हें भी थोड़े माउंट चंदेला डायनेसटी के बारे गल करी इन्होंने रूल कद तो किया 1950 तो लैके 1050 AD तक, ठीक है, इतने इन्होंने रूल किया। अगर असी गल करिए खुजराओ जिहड़े मोनूमेंट्स खुजराओ के पाए जाते हैं मध्य प्रदेश, इसी डायनेसटी के द्वारा मेनली बनाए गए। चलो नैक्सट क्वेश्चन। फिर अगला क्वेश्चन, जा क्यों रहे हो राजेंद्र कौर जी, आ जाओ बच्चा नैक्सट क्वेश्चन की गल करते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, भी लगाओ आंसर। वेरी गुड, देखो की कहें, कहते अजस्त्रू एक रूलर सीगे हरक्कियन डायनेस्टी के, वाज सन ऑफ। किदे सन सीगे? हाँ जी बिंबिसारा दे सीगे। यार तुहानू सारा आंदा, तुसी कदों लैंदे पे हो मैराथन है। आंसर विल बी बिल्कुल सही है, बिंबिसारा। बहुत वधिया जान के अच्छा लग्या कि तुहानू कम से कम एंशियंट हिस्ट्री ते मेडिवल हिस्ट्री दे फैक्चुअल क्वेश्चंस याद ने। अगला क्वेश्चन कहंदा है हू अमंग द फॉलोइंग वाज द लास्ट रूलर ऑफ द नंदा डायनेसटी। हाँ जी नंदा डायनेसटी के बारे गल करने, इन्हां दे लास्ट रूलर के बारे तुहानू दसना है। जो भी नंदा डायनेसटी के बारे गल करिए ना, इन्हों जे लास्ट रूलर से इन्हों का नाम से धना नंदा, ठीक है, ये लास्ट रूलर से यंगेस्ट सिगे उस पर्टिकुलर डायनेसटी के, सब तो यंगेस्ट जे अगर आप गल करिए। फिर उस तो बाद गुप्ता डायनेसटी आती है, चंद्र गुप्ता जी है गुप्ता डायनेसटी फाउंड करते हैं, तो इतने आंसर जरा है धना नंदा आ जाएगा। ए विल बी द राइट आंसर। आफ्टर इज डैथ ये खत्म हो जाती है नंदा डायनेसटी। अगला क्वेश्चन कहता है डैश वॉज ए कैपिटल ऑफ मगधा बिफोर द 4th century BCE। मगधा की तुम्हें एक गल दसनी है कि कैपिटल केड़ी मनी गई सी 4th century BCE दे विच। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यस फर्स्ट श्री गुप्ता सीगे उन्होंने फाउंड की सी, फिर उस तो बाद मेनली जिन्हों मनिया जाता ने कहते हैं रियल फाउंडर किनू मनिया जाता है चंद्रगुप्ता। श्री गुप्ता ने कुछ खास किया नहीं सी, पर फाउंडर उही होंदे ने। बिल्कुल सही तुसीं कहा। बी विल बी द राइट आंसर। पकली पक्का क्वेश्चन है, पक्का कह रहे हो कि बी आएगा? नहीं बच्चा राजगिरा आएगा। जिहड़ी राजगिरा सीगी एक कैपिटल सीगी मगधा दी बिफोर 525 BC, फिर उस तो बाद पतालीपुत्रा बनती है, ठीक है, पतालीपुत्रा बाद चो बनती है। वाज़ अ कैपिटल ऑफ मगधा आफ्टर द 425 BC। 425 BC बिफोर क्राइस्ट केड़ी होंदी है राजगिरा, 425 तो बाद केड़ी बनती है पतालीपुत्रा, तो इतने राजगिरा आएगा। पहले याद रखना है कि 4th century तो पहला राजगिरा होंदी है, बाद चो जाके पतालीपुत्रा बनती है। अगला क्वेश्चन नैक्सट कहते केड़ी डायनेसटी है जिन्हें बिल्ट किया पंचारथास ऑफ महाबलीपुरम। मैं पिछे ये क्वेश्चन दसिया है अजे। हाँ जी महाबलीपुरम के जिहड़े तुहाड़े टैंपल्स या रथ्स पाए जाते हैं, ये तुहानू याद रखना है कित्थे आएगा।
ਕੀ ਆਏਗਾ? ਯੈਸ, ਪਲਵਾ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਵਿਲ ਬੀ ਦ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਜਿਹੜੀ ਪਲਵਾ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਹੈ ਮੇਜਰਲੀ ਮਹਾਬਲੀਪੁਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਚ ਰਥਾਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਗਏ। ਮਹਾਬਲੀਪੁਰਮ ਕਿੱਥੇ? ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਕੋਲ। ਇੱਥੇ ਪਲਵਾ ਕਿੰਗਸ ਮਹਿੰਦਰ ਵਰਮਨ ਫਸਟ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਲਵਾ ਕਿੰਗਸ ਮੇਜਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮਹਾਬਲੀਪੁਰਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਛ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਲਵਾ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਲਵਾ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਹੀ ਆਂਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਅਗਲਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਦ ਚੋਲਾ ਇੰਪਾਇਰ ਟੈਂਪਲ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁਸ਼ਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਲਾ ਇੰਪਾਇਰ ਟੈਂਪਲ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਣਗੇ? ਬਦਾਮੀ ਕੇਵ ਟੈਂਪਲ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਅਰੀ ਵਸਤੇਸ਼ਵਰ ਟੈਂਪਲ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਟੈਂਪਲ ਸੀਗਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਰਾਜਾ ਚੋਲਾ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਯੂਨੈਸਕੋ ਵਰਲਡ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਂਸਰ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਸਿੱਧਾ, ਏਰਾ ਵਸਤੇਸ਼ਵਰਾ ਟੈਂਪਲ। ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਰਾਜਾ ਚੋਲਾ ਸੈਕਿੰਡ, ਇਹ ਵੀ ਕੁਸ਼ਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਸਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ, ਫਿਰ ਆ ਜਾਓ। ਅਗਲਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੂ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਫਾਊਂਡਰ ਆਫ ਦਾ ਚੋਲੁਕਿਆ ਡਾਇਨੈਸਟੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚੋਲੁਕਿਆ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾਊਂਡਰ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਅੱਛਾ, ਚੋਲੁਕਿਆ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫਾਊਂਡ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 543 AD ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਊਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਪੁਲੇਸਕਿਨ ਫਸਟ। ਡੀ ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਚੋਲੁਕਿਆ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਸੀਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆਉਂਦਾ ਬੱਚਾ, ਬਦਾਮੀ ਚੋਲੁਕਿਆਸ ਜੋ ਕਿ ਫਸਟ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਦਾਮ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਦਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵਡ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ, ਪਹਿਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨੇ 1911 ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੈਪੀਟਲ ਚੇਂਜ ਕਰਤੀ ਸੀ, ਕਲਕੱਤਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬਦਾਮੀ ਚੋਲੁਕਿਆ ਸੀ, ਐਹੋਲ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬਦਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਆਂਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਬੀ ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੈਟਲਮੈਂਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੀਜ਼ੈਂਟਸ ਅੰਡਰ ਦਾ ਚੋਲਾ ਡਾਇਨੈਸਟੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਨੱਦੂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਰ, ਤਾਲੁਕਾ। ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਸੈਟਲਮੈਂਟਸ ਪੀਜ਼ੈਂਟਸ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਪੀਜ਼ੈਂਟਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਾਰਮਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਚੋਲਾ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਰਮਰਸ ਦੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ? ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਰ। ਉਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪਰਸਨ ਜੋ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਂਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਗਲਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਪਾਈਟ ਬੀਂਗ ਅ ਪਾਵਰਫੁਲ ਮਹਾਜਨਪਦਾਸ, ਜਿਹੜਾ ਮਗਧਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਅਨਦਰ ਫੋਰਮ ਸੀਗਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਵਜੀ ਵਿਚ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਕਾਲਡ ਐਜ਼, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਵਜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਮਹਾਜਨਪਦਾਸ ਕੀ ਸੀਗੇ? ਇੰਦਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਦਿਕ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਦਿਕ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਵੈਦਿਕ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵਸਾਉਂਦੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਜਨਾਜ਼ ਨੂੰ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਹਾਜਨਪਦਾਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਮਗਧਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਹਦੇ ਅਨਦਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾਲੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਦਾ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਦੇ ਵਕਤ ਉਸ ਵਾਰ ਰੂਲ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗਨਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਆਪ ਇਹਨੂੰ ਸੰਘਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਗਨਾ ਜਾਂ ਸੰਘਾ, ਇਹ ਕੁਸ਼ਚਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਬਟ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਕੁਸ਼ਚਨ ਸੀਗਾ ਜੋ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ, ਕੁਸ਼ਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਸੀਜ਼ਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ, ਵਿਚ ਅਮੰਗ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? 1600 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਐਕਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ? ਕੀ ਉਹ ਪਿਟਸ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1784 ਸੀ, ਚਾਰਟਰਡ ਐਕਟ 1833 ਸੀ, ਚਾਰਟਰਡ ਐਕਟ 1813 ਸੀ, ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1858 ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਹਜੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1858। ਬਟ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ। ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਚਾਰਟਰਡ ਐਕਟ 1833।
ਕੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਚਾਰਟਰਡ ਐਕਟ 1833 ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟ੍ਰੇਡ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿਓਰਲੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਬਾਡੀ ਬਣ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਚਾਰਟਰਡ ਐਕਟ 1833 ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਧਾਰਾ ਸਕੂਲ ਆਫ ਆਰਟ ਇਹ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਾਈ ਦਾ ਆਰਟ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੰਧਾਰਾ ਸਕੂਲ ਆਫ ਆਰਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਆਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਸੀਗਾ ਓਕੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਲਿੱਤਾ ਕਿਹੜੀ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਸੀਗਾ ਆਦਿੱਤਿਆ ਬੱਚਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸ਼ੋ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਹਾਂਜੀ ਗ੍ਰੀਸ ਤੋਂ ਯੈਸ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਗ੍ਰੀਸ ਡੀ ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬੁੱਧਿਸਟ ਸਤੂਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਏਗਾ ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਟਰਮ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੇ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਆਫ ਬੁੱਧਿਸਟ ਸਤੂਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਏਗੀ ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ ਜੀ ਆਨਸਰ ਵਿਲ ਬੀ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਟੋਪ ਆਫ ਦਾ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੁੱਧਿਸਟ ਸਤੂਪਾ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਹਰਮਿਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਬੁੱਧਿਸਟ ਸਤੂਪਾ ਦਾ ਹੈ ਡੀ ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ TCS ਬੇਸਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਰੈਕਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੱਸਣੀਆਂ ਨੇ ਚਾਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਰੈਕਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਸਨ ਗੰਗੂ ਇਹ ਫਾਊਂਡਰ ਸੀਗੇ ਬਹਾਨੀ ਕਿੰਗਡਮ ਦੇ ਹਸਨ ਗੰਗੂ ਨੇ ਰਿਵੋਲਟਿਡ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਗੇਂਸਟ ਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਤੁਗਲਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੋਕਨ ਕਰੰਸੀ ਵੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਫੇਲਡ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਹੈਕਟਨ ਮੁਨਰੋ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਹੈ ਲੈਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਬੈਟਲ ਆਫ ਬਕਸਰ ਦੇ ਲਈ ਬੰਬੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਐਕਵਾਇਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਬਾਈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਫਰੋਮ ਫਰਾਂਸ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਡੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਡੀ ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਬੇ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਐਕਵਾਇਰਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਾਈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਫਰੋਮ ਪੋਰਚੁਗਲ ਨਾਟ ਫਰਾਂਸ ਠੀਕ ਹੈ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡੀ ਆਏਗਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 1600 'ਚ ਆਈ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਦਾਨਿਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦਾਨਿਸ਼ ਕਦੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ 1616 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਡੱਚ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਕਦੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ 1602 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਫਰੈਂਚ ਕਦੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ 1664 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਹੈਵ ਹੈਲਡ ਦਾ ਪੋਸਟ ਆਫ ਸਰ ਸੰਗਤ ਚਾਲਕ ਆਫ RSS ਟਿਲ ਨਾਉ ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਲਾਸ ਲੱਗੇਗੀ ਮੈਰਾਥੋਨ ਹੈ ਇਹ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਲਾਸ ਲੱਗੇਗੀ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਮੈਰਾਥੋਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 300+ MCQs ਗਾਈਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ MCQs ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਹਜੇ ਤਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ 6 ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਰਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਰ ਸੰਗਨ ਚਾਲਕ ਦੇ ਬਣੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕੇਸ਼ਵ ਬਲੀਰਾਮ ਸੀਗੇ ਠੀਕ ਹੈ 1952 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1925 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1930 ਤੱਕ ਰਹੇ ਅਤੇ 1931 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਕਸ਼ਮਣ ਵਰਮਨ ਰਹੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਧਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਇੰਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ 6 ਸੀਗੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਮੇਜਰਲੀ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਓ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵੇਰੀਅਸ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀ ਸੀਗੀਆਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰਸ ਦੀ ਅਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਬੈਂਕਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਰਡ ਕਜ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂ ਲਾਰਡ ਕਜ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਬੈਂਕਸ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲਾਰਡ ਕਜ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ 1904 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਵਿਭਾਜਨ ਹੋਇਆ ਸੀ 1905 ਦੇ ਵਿੱਚ 1906 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਦਾ ਭਾਈ ਨਰੋਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲਾਂਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ 1907 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੂਰਤ ਸਪਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਜਰਲੀ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਮੋਡਰੇਟ ਲੀਡਰ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 1911 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਆਰਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਤੋਂ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਵਿਭਾਜਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਜਰਲੀ ਲਾਰਡ ਕਜ਼ਨ ਨੇ ਵੇਰੀਅਸ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀ ਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਬੈਂਕਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮਨੀ ਲੈਂਡਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਨ ਟੂ ਐਡਵਾਂਸ ਲੋਨਸ ਟੂ ਪੀਜ਼ੈਂਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਬੀ ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਬਜਟ, ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਵਾਇਸਰਾਇਲਟੀ ਆਫ, ਕਿਹਦੀ ਵਾਇਸਰਾਇਲਟੀ ਦੇ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਬਜਟ ਸਿਸਟਮ ਬੱਚਾ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਯੈਸ, ਆਨਸਰ ਵਿਲ ਬੀ ਲਾਰਡ ਕੈਨਿੰਗ। ਲਾਰਡ ਕੈਨਿੰਗ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸਡ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਲਾਰਡ ਕੈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫਸਟ ਵਾਇਸਰਾਏ ਵੀ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਵਾਇਸਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1858 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੱਚਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਡਾਕਟਰਿਨ ਆਫ ਲੈਪਸ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਮਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਝਾਂਸੀ ਰਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 1853 ਦੇ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਹਿਲ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰਿਨ ਆਫ ਲੈਪਸ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ 17 ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਸਟੇਟ ਬਣਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ 1853 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਟ੍ਰੇਨ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਬੰਬੇ ਟੂ ਥਾਣੇ, ਅਤੇ 1854 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਸਟੈਂਪ ਵੀ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਰਿਪਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਫਾਦਰ ਆਫ ਲੋਕਲ ਸੈਲਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1881 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ, ਅਤੇ 1882 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਬਰਟ ਬਿੱਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਈਵਨਲੀ 1882 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਵੈਨਕੂਲਰ ਪ੍ਰੈਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਥ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰੋ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਬੱਚਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜੀ, ਬੱਚਾ ਲਾਸਟ ਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੀ ਆਏਗਾ। ਸੀ ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ, ਲਾਰਡ ਕੈਨਿੰਗ। ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਚਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰੈਕਟ ਹੈ। ਅਸ਼ਟਾਪ੍ਰਧਨ ਮਰਾਠਾ ਇੰਪਾਇਰ ਆਏਗਾ, ਅਸ਼ਟਾ ਦਿਗਾਜਾ ਵਿਜੈਨਗਰ ਇੰਪਾਇਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦਸਾਲਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅਕਬਰ, ਨਵਰਤਨਾ। ਨਵਰਤਨਾ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਨੌ ਰਤਨ ਜਿਹੜੇ ਚੰਦਰਗੁਪਤਾ ਫਸਟ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਨਵਰਤਨਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫਸਟ, ਸੈਕਿੰਡ ਐਂਡ ਫੋਰਥ ਸਿਰਫ ਕਰੈਕਟ ਆਣਗੇ। ਡੀ ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਬਲ, ਦੇਖੋ ਚਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਏ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ੂਮ ਕਰਾਂ, ਲਓ ਜੀ ਜ਼ੂਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚ ਅਮੰਗ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਲ ਨੀਨੋ ਈਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਆਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਛੇਪਾਨੀਆ ਅਕਾਲ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਅਕਾਲ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਉਂਕਿ 300,000 ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਆਗਰਾ ਔਹਦ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਫੈਕਟਿਡ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਯੈਸ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, 1896 ਐਂਡ 1899। ਬੀ ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਗਾਈਸ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਫਿਰ। ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਹਾਂਪੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਆਫਰ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਡਬਲ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਆਫਰ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯੂ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਦਾ ਕੋਡ YAT77 ਫੋਰ ਐਨੀ ਕੋਰਸ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। YAT77S ਕੋਈ ਬੁੱਕ ਵਗੈਰਾ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਈ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਲੈਣ ਲਈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ 30th ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਤੱਕ GKGS ਫੁੱਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਬੈਚ ਨੂੰ ਇਨਰੋਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ 1380 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹ ਬੈਚ ਪਏਗਾ। ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਦਾ ਲੋਕਲ ਸੈਲਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਲੋਕਲ ਸੈਲਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਆਨਸਰ ਵਿਲ ਬੀ ਲਾਰਡ ਰਿਪਨ। ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਡਿਫੀਕਲਟੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਾਰਡ ਰਿਪਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਈਵਨਲੀ ਇੰਡੀਅਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਣ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅਫੇਅਰਸ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਾਦਰ ਆਫ ਲੋਕਲ ਸੈਲਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਓ ਬੱਚਾ, ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਔਰ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ।
सारे जने लाइक कर दो वीडियो नू, ते एक बार शेयर कर दो सारे जने शेयर कर दो वीडियो नू। हाँ जी अगला क्वेश्चन कहता है, कहते व्हेन डिड द ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन फाउंडेड इन कलकत्ता। हाँ जी ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन इनू कलकत्ता दे विच कदों फाउंड किया गया, 1851 दे विच। आंसर विल बी बच्चा ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के बारे अगर असी गल करिए, सब तो पहला यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि द्वारा इसको फाउंडेड किया गया, तो आनु याद रखना है दवरेंद्र नाथ टैगोर, कित्थे किया गया कलकत्ता दे विच। ठीक है हुण दवरेंद्र नाथ टैगोर के बारे अगर असी गल करिए, इन्होंने एक होर तुहाडी मेजरली की सी, इहनू बोलदे तत्वा बोधनी सभा, कदों की सी तत्वा बोधनी सभा, 1839 दे विच। ते ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन जिहड़ी है एक कदों फाउंड हुई सी, 1851 दे विच। ठीक है आंसर जिहड़ा है डी आ जाएगा। चलो नैक्सट क्वेश्चन कहिंदा है कि जदों आपां डक्का अनशीलन समिति के बारे गल करदे आ, ये फाउंडेड किया गया बाय होम इन 1905। हाँ जी द डक्का अनुशीलन समिति वॉज फाउंडेड बाय होम इन 1905। वैसे डक्का अनुशीलन समिति जिहड़ी है 1902 ही फाउंड हो गई सी बच्चा, ये बंगाल की रेवोल्यूशनरी एक तरीके नाल सोसाइटी सी, कीती गई सी कि पुलिन बिहारी दास के द्वारा, 1902 ही आई थिंक फाउंड हो गई सी। क्वेश्चन दे विच मिस्टेक लग रही है मैंने, एक बार चैक कर लेना कि जिहड़ी डक्का अनुशीलन समिति 1905 आएगा या 1902, मैंने लग रहा है कि 1902 आएगा इत्थे। ठीक है चलो नैक्सट क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन आता है बच्चा, कहता है कि जब आप नोटेबल न्यूज़पेपर के बारे गल करते हैं जिसका नाम है संबद प्रभाकर, ये तुहानू दसना है किदे द्वारा लिखा गया या किदे द्वारा पब्लिश किया गया। एक नोटेबल न्यूज़पेपर है, नाम है संबद प्रभाकर, वॉज पब्लिश्ड बाय हूम। ऑप्शन दिते गए ने जुगल किशोर शुक्ला, ईश्वर चंदा गुप्ता, लाला जगत नारायण या फदरुद्दीन मर्जबन। दिया नागपाल बच्चा अगर तुसी खुद नहीं पढ़ सकते बुक्स वगैरह एंशियंट हिस्ट्री वैसे नॉर्मल क्वेश्चंस ने, एंशियंट हिस्ट्री मेडिवल हिस्ट्री एनसीईआरटीज ले लो या कोई तुसी नॉर्मल बुक होंगी है जी कंपीटिटिव एग्जाम लिए जीके जी एस जी, वो पढ़ सकते हो। अगर खुद नहीं पढ़ सकते तो मेरे तो पढ़ लियो, ठीक है कोर्स ले सकते हो, मैं थोड़ा सही तरीके नाल पढ़ा देनी हूँ। आंसर जिहड़ा है संबद प्रभाकर के बारे अगर असी गल करिए, ईश्वर चंद्र गुप्ता आएगा, इन्होंने संबद प्रभाकर जिहड़ा है पब्लिश कदों किया सीगा ये तुहानू याद रखना है 1831 दे विच। ठीक है इसी तरीके नाल कई बार लाला लाजपत राय के न्यूज़पेपर भी बहुत बार पूछे जाते हैं जिवें केसरी ते मराठा, ये लाला लाजपत राय के द्वारा लिखा गया। महात्मा गांधी जी के द्वारा कि न्यूज़पेपर लिखे गए, यंग इंडिया, ठीक है इंडियन ओपीनियन, केसरी, ये सारे न्यूज़पेपर महात्मा गांधी जी द्वारा, ये सारे न्यूज़पेपर थोड़े लाला लाजपत राय के द्वारा। नैक्सट क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन कहता है हु वाज द फाउंडर एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर फ्री प्रेस जर्नल। तुहानू ये गल दसनी है कि फाउंडर जिहड़ा है एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर फ्री प्रेस जर्नल दे कौन सीगे। ठीक है बच्चा पवनदीप, हाँ जी बच्चा क्वेश्चन कहता है हु वाज़ द फाउंडर एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर फ्री प्रेस जर्नल। एस सदानंद सिगे, स्वामी स्वामीनाथन सदानंद इन्हों कहने, 1930 इन्हों के द्वारा पब्लिश किया गया सीगा इंडिपेंडेंट मूवमेंट के लिए, कितने पब्लिश किया गया सी मुंबई के। आंसर जिहड़ा है स्वामीनाथन नंदन, एस सदानंदन भी इन्हों आप कह दें शॉर्ट फॉर्म के, इन्हों द्वारा एक न्यूज़पेपर जिहड़ा है चलाया गया फ्री प्रेस जर्नल। चलो नैक्सट क्वेश्चन आ जाओ, फिर नहीं के एम पानीकर नहीं आएगा, अगले क्वेश्चन की और गल करते हैं।
क्वेश्चन कहता है द मोस्ट अनक्वालिफाइड ब्लंडर, मतलब गलती सी कमिटिड कीती गई पूरी होल हिस्ट्री दे विच ब्रिटिश इंडिया दे द्वारा, दिस कमिटमेंट जड़ी है जे जे मैकडोनल्ड दे द्वारा दिती गई सी, उन्होंने कहा सी केड़ी वॉर जड़ी है ब्लंडर सी, सब तो वड्डी गलती सी ब्रिटिश इंडिया दी। हाँ जी, की आंसर जड़ा है एदे विच तुहानू देखण नू मिलेगा। ऑप्शन दिते गए ने बच्चा फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर, सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर, थर्ड एंग्लो अफगान वॉर या फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। बिल्कुल सही आंसर, जेने ना ऑकलैंड इनू कहा जाता इज ऑलसो नोन एज ऑकलैंड फॉली। लॉर्ड ऑकलैंड ने ये डैथ हो गई सी थाउजेंड्स ऑफ द ब्रिटिश इंडियन सोल्जर्स की, तो एक करोड़ रुपए जी जे वेस्ट हो गए थे। तो इतने जे जे मैगलियोट ने कहा कि जी फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर सी एक ब्लंडर सी, आंसर जड़ा है इतने आएगा ए। अगला आ जाओ फिर। हाँ जी, क्वेश्चन कहता है कि केड़ा इना विचों आइलैंड है इंडिया दे विच ओनली एक्टिव वोलकैनो तुहानू सिचुएटेड देखण नू मिलता है। हाँ जी गाइज, आई रिक्वेस्ट यू ऑल, सारे जने इस वीडियो नू शेयर कर दो ताकि अपने जिहड़े स्टूडेंट्स है अगले एक घंटे के लिए आ जाए, क्योंकि अगले एक घंटे के आपां होर बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन जिहड़े करन वाले हैं। बिल्कुल सही गल है, बैरन आइलैंड जिहड़ा है तुहानू देखण नू मिलेगा। ये बैरन आइलैंड तुहानू कित्थे देखण नू मिलता है, सब तो पहला तुहानू ये भी पता होना चाहिए अंडमान आइलैंड्स दे विच, ठीक है। ये अंडमान आइलैंड दे विच देखने मिलता है, एक तरीके का एक्टिव वॉलकैनो होंदा है, बी विल बी द राइट आंसर इंडिया दे विच। अगर क्वेश्चन आ जाए इंडिया दे विच एक्टिव वॉलकैनो कित्थे देखने मिलेगा, तो याद रखना है अंडमान आइलैंड, बैरन आइलैंड विल बी द राइट आंसर। बैरन आइलैंड जिहड़ा है तुहानू अंडमान आइलैंड दे विच देखने मिलता है। नैक्सट क्वेश्चन, एक्टिव वॉलकैनो का मतलब क्या होंदा है, जिहड़ा हजे भी उहदे विच लावा जिहड़ा है रिलीज़ होंदा है। कहते विच ऑफ द फॉलोइंग पासिस, कि पासिस है जिकी जो कि लोकेटिड है नीलगिरी हिल्स टू द नॉर्थ एंड अनामलाई हिल्स टू द साउथ। पासिस का मतलब की होंदा है, दो पहाड़ा दे विच जिहड़ा रस्ता होंदा है उहनू पासिस कह दिता जाता है। हुण नीलगिरी हिल्स तां तुहाडी कित्थे हैगी है, ये तुहाडी हैगी है साउथ इंडिया वाली साइड। अगिल पास कित्थे है, ये तो जम्मू कश्मीर वाली पास साइड है, तो ये तो चलो नहीं हो सकता है ना। कारोक्राम रेंज आ इंडिया के चाइना के आ जाता, ये भी चलो नहीं हो सकता। रोहतांग पास जिहड़े आ हिमालय के आ जाता है, पीर पंजल रेंज के कोल कह सकते हैं, ये भी नहीं हो सकता। बचता केड़ा है, पलघत पास, जिहड़ा पलघत पास है इलो माउंटेन पास है वैसटर्न घाट से कोल तमिलनाडु कोल तुहानू देखण नू मिलता है। इत्थे तुहानू देखण नू मिलेगा कि जिहड़े तुहाडे नीलगिरी हिल्स अनामाई हिल्स टू द साउथ विल बी द राइट आंसर। देखो बच्चा इदा भी तुसी लगा सकते हो, जे तुहानू पासिस पता होंदे कित्थे कित्थे है, तुसी आराम नाल आंसर लगा लैंदे। यस, नैक्सट क्वेश्चन। हाँ जी हाँ जी, मिलेगी। अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन कहता है हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूटेंट असैम्बली। जो आप चेयरमैन की गल करते हैं कॉन्स्टिट्यूटेंट असैम्बली दे, तुहाडी ड्रा कौन हैड सीगे, चेयरमैन कौन सीगे, जवाहर लाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी आर अंबेदकर या के एम मुंशी। इट्स अ वेरी ईजी क्वेश्चन। ड्राफ्टिंग कमेटी ने कॉन्स्टिट्यूशन बना ली कितना टाइम लिता, 2 years 11 months and 18 days। तो ये जो हैड से कौन सी, बी आर अंबेदकर, बाबा साहिब अंबेदकर सी, 7 मैंबर से ड्राफ्टिंग कमेटी है ना, कह सकते हो। नैक्सट कहता इन कि सिचुएशन के प्रेजिडेंट जोड़ा है वो इस्टैबलिश कर सकता इंटर स्टेट कौंसिल। बच्चा जी के जी एस के सारे सब्जेक्ट्स है ये, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एंशंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, स्टैटिक जी के सब ये मैं पाया अज के सैशन। हाँ जी, कि सिचुएशन है जिद प्रेजेंट जोड़ा है इन इस्टैबलिश कर सकता इंटर स्टेट कौंसिल। आर्टिकल नंबर 220-263 ये कहता है कि जो भी पब्लिक इंटरस्ट के पब्लिक इंटरस्ट के लिए वो प्रेजेंट जोड़ा है वो इंटर स्टेट कौंसिल जोड़ा है इस्टैबलिश कर सकता है, ठीक है। पब्लिक इंटरस्ट से बच्चा करेगा, सर्विंग द पब्लिक इंटरस्ट, केड़ा आर्टिकल कहता है, आर्टिकल नंबर 263। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना।
नेक्स्ट ब्रेक लो एक मिनट का, मैनू लगता है कि इन्ने क्वेश्चन करके तुसी सारे थक भी गए हो। अच्छा जल्दी नाल पहला लैक्चर शेयर करो सारे जने, स्पीड अप 1 2 3 जिन्हें जिन्हें ग्रुप जानते हो सारे कितने लैक्चर शेयर करो ताकि आप अगे जरा है क्लास में होर अच्छे तरीके नाल कंडक्ट कर पाइए। स्पीड अप सारे जने शेयर कर दो। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स लेटर लेड द क्रिएशन ऑफ द जोनल कौंसल। जदों पब्लिक दे लई करना होगा ना उदों, इदा नहीं कि कौंसिल करेगी भी इंटरस्टेट कौंसिल बना, नहीं जदों पब्लिक लई उहनूं लगेगा कि हाँ भाई पब्लिक दे भले च है हित दे विच है उदों प्रेजेंट करेगा। आंसर जिहड़ा है डी आएगा, स्टेट रीऑर्गनाइजेशन एक्ट 1956 दे तहत जिहड़ा है जोनल कौंसिल नूं इस्टैबलिश जिहड़ा किया गया। जोनल कौंसिल एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होंदियां ने, स्टैचुअरी बॉडीज़ होंदियां ने। आ जाओ अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज आल्सो कॉल्ड एज अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बाय सम स्कॉलर्स। इना विचों केड़ा तुहानूं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बाय सम स्कॉलर्स किया जाता है। हाँ जी मतलब मेजरली सानू चैलेंज किया गया सीगा कि इंडियंस अपना कॉन्स्टिट्यूशन आप नहीं बना सकते भारत का संविधान, ता करके इत्थे आपां ये चीज़ की सीगी कि आपां खुद अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कोशिश की सी। वो सीगी साड़ी नेहरू रिपोर्ट जो कि 1928 दे विच आंदी है चाचा नेहरू। एग्जैक्टली आंसर विल बी बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कहिंदा है बड़े सारे की फीचर्स तुहानू भारत के संविधान दे विच देखण नू मिलणगे, जिवें कि तुहाड़ा फैडरल स्ट्रक्चर हो गया, तुहाड़ी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी होगी, तुहाड़ा बाई कैमरल लैजिस्लेचर हो गया यानी कि दो हाउसेज का होना राज्यसभा ते लोकसभा, तुहाड़ा प्रिंसिपल हो गया सैपरेशन ऑफ पावर्स। ये तुसी किस पर्टिकुलर एक्ट तो लिता, कि तुसी नेहरू रिपोर्ट तो लिता, कि तुसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 तो लिता, तुसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 तो लिता, या तुसी जिहड़ा है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 तो लिता। फैडरल स्ट्रक्चर फैडरल स्कीम जी है आप कैनेडा तो वैसे लिती है, अगर तुम देखोगे कुछ इदा दे आप गवर्नर जुडिशरी पब्लिक सर्विस कमीशन एमरजेंसी प्रोविजन एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स। हाँ जी की आंसर आएगा, यस मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी हो गया एक तरीके का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट कहता है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज पैसा डज नॉट ऑथराइज अ स्टेट गिव द ग्राम सभा पावर टू रेगुलेट रिस्ट्रिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब एक पैसा जिहड़ा एक्ट है ठीक है वह स्टेट नू की ऑथराइज नहीं करता कि ग्राम सभा नू तुसी की चीज़ नहीं दे सकते। सेल एंड कंजम्पशन ऑफ लिक्वर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस आइडेंटिटी द बेनिफिशरी ऑफ द स्कीम या मैनेज द मिनरल रिसोर्सिस। बच्चा HRM नहीं है कोर्स साढ़े दे विच, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का कोर्स नहीं है जसविंदर प्रसाद। आंसर आएगा डी, क्योंकि जिहड़े तुहाडे मैनेज होंदे ने मिनरल रिसोर्सिस ये तुहाडे ग्राम सभा नहीं कर सकती हैगी। हाँ जी डी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन कहता है कि एक इंडैक्स होंदा है जिहदा नाम होंदा है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडैक्स। किहड़ा इंडैक्स होंदा है जिहनूं आपां कहिंदे आ परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडैक्स। ठीक है ये दो स्टेटमेंट दिती गई, सब तो पहला कहता है कहता यूनियन ह्यूमन रिसोर्स डिवेलपमेंट मिनिस्ट्री इज कंपाइलिंग दिस स्कूलिंग इंडैक्स। कहता ये इंडैक्स जिहड़ा है असैस करेगा स्टेट्स ऑन 500-point ग्रेडिंग सिस्टम। तुहानू ये गल दसनी है कि इन दोनों स्टेटमेंट दे विच केड़ी स्टेटमेंट जिहड़ी है सही है। हाँ जी फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। देखो ए इंडैक्स जिहड़ा हुंदा है ना ग्रेडिंग सिस्टम देंदा है, जिहड़े बहुत ज़्यादा हैल्पिंग स्टेट्स हुंदे ने ते ह्यूमन रिसोर्स डिवेलपमेंट के अंदर स्कूलिंग इंडैक्स बिल्कुल सही। इत्थे सिर्फ फर्स्ट आएगा 500-point नहीं होंगे, ये होंगे ने 1000-point ते आंसर जिहड़ा है ओनली फर्स्ट आएगा। एक क्वेश्चन जिहड़ा है करंट अफेयर्स के उपर बेस्ड है, हो सकता है तुहानू क्वेश्चन जिहड़ा इदा आ जाए।
ओके नेक्स्ट क्वेश्चन अगला कहता है, देखो ध्यान दे नाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट फीचर ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जदों भी आपां पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के बारे गल करते हैं इंडिया दे विच, इन्हां विचों केड़ी करेक्ट स्टेटमेंट नहीं होएगी। पहली स्टेटमेंट कहती है कि प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव, मेजोरिटी पार्टी रूल, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ मैंबर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लैजिस्लेचर या डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर सभा। देखो सब तो पहला तो अगर असी देखिए कि पार्लियामेंट्री सिस्टम के आपां इह कहिंदे आ कि बिल्कुल नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव होंदे ने, मेजोरिटी जिहड़ी पार्टी सब तो ज़्यादा जिहनूं वोट मिलदी है उही रूल करदी है, बट इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होंदी, कलैक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होंदी है। कह सकते हैं है ना, कलैक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होंगी। आंसर जिहड़ा है ते सी आएगा कि यह स्टेटमेंट नहीं है। डिसोल्यूशन हो सकता है, लोकसभा नूं डिसॉल्व किया जा सकता है। अगला केड़ी इदां दी फॉलोइंग अमेंडमेंट है जिन्हों मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम तो जाना जाता है, केड़ी इन विचों फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जिन्हों मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम तो जाना जाता है। ऑप्शन दिते गए ने बच्चा 42nd, 46, 69th या 91st अमेंडमेंट। अगर तुहानू वीडियो अच्छी लगती है, आज का लैक्चर अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि आज का जिन दिन जरा है बहुत यूजफुल तुहाडे लई होया है, तो एक रिक्वेस्ट है जल्दी नाल सारे जने प्लीज़ इस वीडियो नू लाइक कर दो ते शेयर कर दो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स के विच, ताकि जिहड़े है स्टूडेंट्स अगर जुड़े नहीं है वो जुड़ जाण, साडे सारे दे सारे स्टूडेंट्स, ठीक है ना। चलो दसो की आंसर आएगा ये, केड़ी अमेंडमेंट नू आपां एक तरीके दे नाल मिनी कॉन्स्टिट्यूशन दे नाम तो जानते हाँ। आंसर जिहड़ा है इत्थे आएगा 42nd अमेंडमेंट। ये 42nd अमेंडमेंट कदों हुई, 1976 दे विच हुई। इसने काफ़ी ज़्यादा जिहड़े है अमेंडमेंट्स कीती, ईवनली अगर असी गल करदे आ इन्हें इहदे बाद तो है एक केशवानंदा भारती केस भी होया जिहदे विच ये गल की गई कि आपां बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नू नहीं हटा सकते, है ना, कह सकते हैं। इट वॉज इंट्रोड्यूस क्यों, क्योंकि केशवानंदा भारती केस ने कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तुसीं नहीं हटा हिला सकते। इन्ना समझ आ गया सारे नू? चलो अगले क्वेश्चन दी ओर। अगला क्वेश्चन थोड़ा जा वड्डा क्वेश्चन है बट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुहाडे लई। हाँ जी, क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इन्हां विचों किहड़े फीचर है जिहड़े फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होणगे। पहला क्वेश्चन कहता है कि भाई डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द नेशनल एंड द रीजनल गवर्नमेंट, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है कि साडा कॉन्स्टिट्यूशन जिहड़ा है रिजिड मन्निया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन मे बी सुप्रीम और मे नॉट बी सुप्रीम या ड्यूल गवर्नमेंट है। देखो जदों भी आपां फैडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे गल करते हैं आपां कुछ ही फीचर्स जिहड़े है फैडरल फॉर्म दे लिते ने। आपां ये क्या है कि साडी डिवीजन ऑफ पावर होएगी, बिल्कुल है आपां ये लिता हैगा, बट इन्होंने ये पूछा कि फैडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन्हें विच रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन भी होंदा है ते जिहड़ा कॉन्स्टिट्यूशन जिहड़ा होंदा है वो सुप्रीम होंदा है, मे नॉट बी नहीं हो सकता, थर्ड नहीं होएगा, ड्यूल गवर्नमेंट जिहड़ी जरूर होंदी है। ये फैडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के कुछ फीचर्स जिहड़े मन्ने गए हैं, बट भारत ने रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिता। साडा जिहड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड भी है ते फ्लैक्सीबल भी है, मतलब विचकार आंदा है, इनू अमेंडमेंट कीती भी जा सकती है ना, मतलब बट बेसिक स्ट्रक्चर नू नहीं हिलाया जा सकता। इहदे विच जिहड़ा आंसर आएगा फोर्थ आएगा, क्योंकि फैडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे पूछा गया है। बट अगर मैं भारत के संविधान की गल करा, आप फैडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिती है, पावर डिवाइडेड है सेंटर ऑफ स्टेट के, कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम माना गया, उस तो उपर कोई भी नहीं है, ड्यूल गवर्नमेंट है, ड्यूल गवर्नमेंट के तो मतलब तुसी कह लो कि सेंटर एंड स्टेट है, इवनली पावर्स भी तुहाडी डिवाइडेड है ना, कह सकते हैं। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये भी एक फैडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का ही कह लो फीचर है। अगला आ जाओ, कहिंदा किहड़ा आर्टिकल है प्राइम मिनिस्टर लैड करते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पार्ट नंबर 5th दे विच है, किहड़े आर्टिकल्स इहदे विच तुहानू देखण नू मिलणगे, आर्टिकल नंबर 52 तो लैके 78 तक, ठीक है, 52 तो लैके 78 तक पार्ट नंबर 5th।
पार्ट नंबर फोर्थ दे विच तां डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसीज़ आ जांदे ने, पार्ट नंबर फोर्थ ए दे विच फंडामेंटल ड्यूटीज़ आ जांदियां ने, पार्ट नंबर थर्ड दे विच फंडामेंटल राइट्स आ जांदे ने, पार्ट नंबर सेकंड दे विच सिटीजन्स आ जांदे ने, पार्ट नंबर फर्स्ट दे विच थोड़ा भारत जिहड़ा यूनियन मतलब इंट्रोडक्शन आ जांदी कि पार्लियामेंट कोल पावर हैगी है कि अमेंड कर सकदे स्टेट्स वगैरह नूं, राइट। अगला, हू कैन रिकमेंड इट एंड रिकमेंड द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा टू द प्रेजेंट एट एनी टाइम। हाँ जी तरुण, सत श्री अकाल जी। बच्चा कौन रिकमेंड कर सकता है प्रेजेंट नू कि भाई तुसी लोकसभा नू जिहड़ा लोअर हाउस है ठीक है इनू डिसॉल्व कर दो। पीएम कर सकता है? हाँ जी बिल्कुल, आंसर विल बी प्राइम मिनिस्टर, ए विल बी द राइट आंसर। प्राइम मिनिस्टर दे द्वारा ये गल की जाती है, रिकमेंडेशन की जाती है कि वह लोकसभा डिसॉल्व कर सकते हैं। मैं तो रोज़ आनी हाँ, तुसी जिहड़ा आप ही नहीं आए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एडमिनिस्ट्रेटर ओथ्स ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी टू अ मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट। जदों भी कोई मिनिस्टर एंटर करता है अपॉन हिज ऑफिस, जिहड़ा ओथ कौन लैंदा है? प्राइम मिनिस्टर लैणगे, कौंसिल ऑफ मिनिस्टर लैणगे, लोकसभा लैणगे, या स्पीकर लैणगे, या तुसी कह लो प्रेजिडेंट लैणगे। हाँ जी ठीक है, ईवनली मेरी 7:45 भी क्लास होंदी है, ये टाइमिंग है मेरी मेजरली, तुसी आ सकते हो। एडमिनिस्ट्रेटर ओथ्स ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी टू अ मिनिस्टर ऑफ अ पार्लियामेंट, ए प्रेजिडेंट जिहड़ा है ओथ वगैरह लैंदा है, आंसर जिहड़ा है ए विल बी द राइट आंसर। और ठीक हो गया, चलो आ जाओ अगे। है कि इन्हां विचों केड़ी कमेटी है जिहड़ी कि हाँ जी इन्हां विचों केड़ी कमेटी है जिहड़ी कि चेयर्ड की जाएगी प्राइम मिनिस्टर दे द्वारा। यस, केड़ियां केड़ियां कमेटीज़ हैं जिहड़ी प्राइम मिनिस्टर चेयर्ड करदे ने? पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी करदे ने, बिल्कुल करदे ने, ठीक है। इकोनॉमिकल अफेयर्स कमेटी करते हैं, बिल्कुल करते हैं। अपॉइंटमेंट्स ऑफ कमेटी करते हैं, बिल्कुल करते हैं। बट पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी जी है ये तुहाड़ी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा नहीं की जाती है चेयर, ठीक है। इवनली नीति आयोग के भी है चेयरमैन जिहड़े प्राइम मिनिस्टर ही होंगे ने। तो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी, इकोनॉमिकल अफेयर्स कमेटी, अपॉइंटमेंट्स ऑफ कमेटी ये सारे प्राइम मिनिस्टर ही करते हैं। आंसर जिहड़ा है इत्थे आएगा सी विल बी द राइट आंसर, ओनली फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ। ऑल ऑफ द अब तो एवें ला देंगे हो जिमें ना ना आंसर ना आता हो, ऑल ऑफ द वब ला दो, है ना, की पता सही हो जाए। हाँ जी बलजीत जी दसो बच्चा की आएगा अगला। अगला क्वेश्चन कहता है कि केड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने प्रीवी परसिज एंड प्रिविलेजिज ऑफ द फॉर्मर रूलर ऑफ द प्रिंसली स्टेट। रूलरशिप जड़ियाँ सीगियाँ केड़े पर्टिकुलर अमेंडमेंट एक्ट ने खत्म कीतियाँ? 26th अमेंडमेंट एक्ट सी, इन्नी गल याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, बस इन्ना ही क्वेश्चन याद रखना है। क्वेश्चन थोड़े एग्जाम के विच आया होया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मैं जो पाया। अगला, कहिंदे किहड़ा ईयर है जिहदे विच सुप्रीम कोर्ट ने डिकलेयर किया नैशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन एंड एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड। मतलब किहड़े ईयर दे विच जिहड़ा है सुप्रीम कोर्ट ने यह डिकलेयर किया कि भी जिहड़ी नैशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन है ये एक तरीके नाल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ते वॉइड है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली नहीं है भाई। इन 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट सेगा, ठीक है, तो 2015 दे विच ये गल की गई सी कि जिहड़ी तुहाड़ी नैशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन है एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल। हाँ जी गाइज, आई डोंट नो, जस्ट अ सेकेंड रुक जाओ, हो जाएगा ठीक, ठीक हो जाएगा, चलो आ जाओ, हो गया। नेट नहीं खत्म होया मेरा, मेरा नेट कितों खत्म हो जाएगा।
आ जाओ बच्चा, क्वेश्चन कहता है 10 करोड़ का क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने अफर्म्ड किया द पावर ऑफ द पार्लियामेंट, कि मतलब पार्लियामेंट जी है अमेंड कर सकती है किसी भी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नू, चाहे वह तुहाडे फंडामेंटल राइट्स क्यों ना हो। हाँ जी, क्वेश्चन ये कहता है कि केड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने ये पावर दिती पार्लियामेंट नू कि वो अमेंड कर सकता है किसी भी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नू, चाहे वो फंडामेंटल राइट्स क्यों ना हो। यस, वेरी गुड आंसर विल बी 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971, जो ये गल स्टेट करता है कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कोले पावर है कि वह किसी भी अमेंड कर सकती है। बट बाद जाके केशवानंद भारती केस कहता है कि नहीं भाई, तुसी जड़ा है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हिला नहीं सकते। इंदिरा गांधी जी के द्वारा एक गल की गई सी वैसे 1971, आंसर जड़ा ते सी आ जाएगा। ओके चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ पोर्ट सिटी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। 10 करोड़ मिलने नहीं है। हाँ जी, जिन्होंने क्वेश्चन सही किया 10 करोड़ रुपए इतों ले सकते हो कंप्यूटर स्क्रीन तो, स्क्रीनशॉट ले लो। आप बैंक केड़ा जाना है, बैंक जाना है आप अड्डा 247 दे बैंक डेली आ रहा है कैश करवाने लिए। कैश मिले ना मिले, क्योंकि ये डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी है, साड़ी मर्जी असी देिए ना देिए। लोथल विल बी द राइट आंसर, ओनली पोर्ट सिटी पाई गई सी। यस बिल्कुल भाई, आंसर सही दिता है कि इंदस वैली सिविलाइजेशन दे विच जिहड़ी लोथल सी ओनली पोर्ट सिटी सी, इत्थे ट्रेड वगैरह वह करते सीगे, है ना। चलो, समख्या, समख्या के बारे अगर असी गल करिए, स्कूल ऑफ फिलोसफी है ये फाउंडेड किया गया किदे द्वारा। हाँ जी, क्वेश्चन कहता है समख्या स्कूल ऑफ फिलोसफी वाज फाउंडेड बाय। समख्या भी एक तरीके ना बहुत ही ओल्डेस्ट सी स्कूल, ऑर्थोडॉक्स ही हिंदुइज्म के उत्ते मेजरली स्कूल चलता सी, ते इत्थे आएगा कपिला, ठीक है, कपिला दे द्वारा विल बी द राइट आंसर, बी विल बी द राइट आंसर। यस, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स ऑस्ट्रिच वर फाउंड इन इंडिया। ऑस्ट्रिच जड़े होंगे है वो इंडिया दे विच फाउंड किए गए सी। बर्ड होंगे ना सब तो भारी बर्ड, तो सब तो वड्डा बर्ड मनिया जाता है ऑस्ट्रिच, ये एग भी बहुत वड्डा होंगे है, तो कम से कम 240 kg का तो होना ही है। कि आंसर जड़ा है ये सू देख मिलेगा, जल्दी नाल आंसर लगाओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज दा। बच्चा एक होर गल है तुहाडे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, तुहानू सारयां नू पता है कि SSC की नोटिफिकेशन निकल चुकी है ना, सारयां नू ये गल पता है SSC की नोटिफिकेशन कल निकली है। तो इस बार SSC जी एक बहुत स्पैशल गल है, वो आप 12:40 ते जाणांगे, उहदे विच स्पैशल की है, ठीक है। आप सारे ने वो पेपर क्यों भरना है ये बारे आप 12:40 अच्छ गल करा, वो लैक्चर तुम्हें जरूर लगाना है, 20 मिनट का लैक्चर है, 2 मिनट लगा लियो बस। पहले लिए एक पीरियड विल बी द राइट आंसर, ऑस्ट्रिच जड़ा है मैं तुम्हें दसागी कि SSC का तुम किस तरीके दे नाल जड़ा है प्रिपेयर कर सकते हो ताकि उसको क्रैक कर सको। इट्स हूँ बहुत अच्छी ऑपरचुनिटी है बच्चा, पहले मैथ तो इंग्लिश के बेस से होंदा सी सारा का सारा पेपर, बट इस बार बहुत अच्छी ऑपरचुनिटी है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन कहता है कि 31st Amendment Act 1972 इनक्रीज द नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स फ्रॉम 525 टू विच। हूँ इतने तुम्हें क्वेश्चन से ही आंसर मिलता पाया है कि जो आप 31st Amendment Act के बारे गल करते हैं, इसने 1972 ने इनक्रीज करता द नंबर ऑफ द लोकसभा सीट फ्रॉम 522 टू 10। कहने का मतलब है तुसी 2 मिनट लगा लोगे तो मैं जड़ा है तानू अपने कोल रख लांगी ना, मतलब एक तो समझिया करो, भावना समझिया करो। सॉरी मैम ना मैथ बड़ा कमज़ोर है ना, भावना समझ लिया करो। आंसर विल बी 545, जो 31st Amendment Act है वो जिमें कोई पड़ोसी कहने ना ची आप कहने ना 2 मिनट के बच्चे आ रहे हैं, इंडिया के कहते 2 मिनट आ रहे हैं, 2 मिनट का मतलब होंगे 10 मिनट आ रहे हैं,
ठीक है, तो इस करके भावना समझा करो। जो मैं कहूँ 2 मिनट 10 गुना कर लो, यानी कि मैम 20 मिनट ही कह रहे हैं। 5:45 विल बी द राइट आंसर। तो ये भी याद रखना कि भाई 31st अमेंडमेंट एक्ट 1972 ने, ठीक है, इंक्रीज किया द नंबर ऑफ लोकसभा सीट फ्रॉम 525 टू 545। अगला, हु इज एम्पावर्ड टू डायरेक्ट दैट एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट डज नॉट अप्लाई टू अ शेड्यूल एरिया इन द स्टेट। स्वैग चल रहा है पंकज कुमार, है कौन ही डायरेक्ट करता है बच्चा कि जरा एक्ट ऑफ पार्लियामेंट हैगा वो शेड्यूल एरिया दे विच या किसी भी स्टेट दे विच अप्लाई नहीं होएगा। एग्जैक्टली आंसर जरा है गवर्नर होएगा। गवर्नर ऑफ द स्टेट इज एम्पावर्ड टू डायरेक्ट दैट जरा एक्ट है ऑफ द पार्लियामेंट इट डज नॉट अप्लाई टू द एरिया शेड्यूल एरिया। ठीक है, आंसर विल बी ए, गवर्नर विल बी द राइट आंसर। कि मतलब ए पर्टिकुलर शेड्यूल एरिया इतने ए वाला जो एक्ट निकलिया है पार्लियामेंट द्वारा कोई एक्ट कटिया गया वो अप्लाई नहीं होएगा, ये गवर्नर के कोल पावर होंगी है। अगला क्वेश्चन, हु इज एम्पावर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट अ GST काउंसिल। किदे कोल ये पावर होंदी है जो GST काउंसिल नू कह लो कॉन्स्टिट्यूट करता है, द पार्लियामेंट, द प्रेजिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, द राज्यसभा। आए तुसी थक गए, क्यों क्वेश्चंस हैवी सी बच्चा? आंसर विल बी 279A आर्टिकल का तुहानू कहिंदा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दा कि प्रेजिडेंट के लिए पावर होंदी है कि वह कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है GST काउंसिल नू। तो इतने जो आंसर आएगा बी विल बी द राइट आंसर, कि आर्टिकल ये पावर देता है 279A आर्टिकल। इस काउंसिल के जी काउंसिल है रिकमेंडेशन देती है सेंटर नू रिगार्डिंग द GST टैक्स वगैरह के रिलेटिड। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है कौन डिसाइड करेगा जिहड़ी सैलरी है एंड अलाउंसेस है चीफ मिनिस्टर दी। मैं तुहानू एक गल होर दस देनी आ, तुहाडे विच बहुत बच्चे इदां दे होणे जिन्हां नू ये क्वेश्चन भी टफ लग रहे होणे। अगर तुहानू ये क्वेश्चन टफ लगदे ने दिस इज़ अ राइट टाइम, तुसीं ये गल सोचो कि मेरी तैयारी किन्नी ज़्यादा है ते किन्नी वधिया है। ठीक है, तो इस गल नू समझो कि तुहानू थोड़ी जी गाइडेंस की लोड़ है। अगर इदां लगे कि मैं खुद तैयारी नहीं कर सकता, तुसीं पंजाब पुलिस SI का या कोई भी ये विचों बैच जिहड़ा है जिहड़ा तुहानू इदां लगे कि बई वैसे तो पंजाब पुलिस SI का बैच लै सकते हो क्योंकि 30th सितंबर तक मैं सिलेबस GKGS सारे च कंप्लीट करवा देना है। नहीं तो तुसीं पंजाब के महापैक की ओर जा सकते हो, डबल वैलिडिटी ऑफर है, 2 साल के बिल मिलता पे 3200 रुपये का, आड़ वाले सारे कोर्सिज लै सकते हो। ठीक है, हुण जिवें आपां पंजाब के महापैक की गल करते हैं, इत्थे जिहड़ा तुहानू परचेजिंग पॉइंट है किन्ने का मिलेगा, 14,000 का, बट 14,000 का नहीं है। यू कैन यूज अ कोड YAT77। क्लास खत्म नहीं हुई, थैंक यू ना कह देना, हजे अगे मैं पढ़ाना है, तो 3200 रुपये का मिल जाएगा। क्वेश्चन कहती है मेजरली कहता है हु डिसाइड द सैलरी एंड द अलाउंसेज ऑफ द चीफ मिनिस्टर, प्रेजिडेंट, गवर्नर, पार्लियामेंट या स्टेट लैजिस्लेचर। आंसर जरा है बच्चा आएगा स्टेट लैजिस्लेचर, जो स्टेट लैजिस, ठीक है, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट नू याद रखना है। और करण जी हो जाएगी तो आड़ी भी पेड क्लास, तुसी टेंशन का तो लेने हो, मैं शेड्यूल करवा दांगी। फिर बफर हो गया, चलो नेक्स्ट, हु अनाउंसेस द गवर्नमेंट पॉलिसीज इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। कौन अनाउंस करता है गवर्नमेंट पॉलिसीज इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। हाँ जी, चीफ मिनिस्टर अनाउंस नहीं करेगा, ध्यान नाल देख लो, क्योंकि चीफ मिनिस्टर एज अ लीडर होंदा है उस हाउस का, एडवाइस करता है गवर्नमेंट टू विद रिगार्ड टू द कि समन करना है या हाँ, चीफ मिनिस्टर आएगा लैजिस्लेटिव असैम्बली का। तो आंसर हाँ जी बच्चा, हु अपॉइंट्स द पार्लियामेंट्री सैक्रेटरी। T
ਕੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਮੈਂ ਰੁਕ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਫਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਕੌਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਦਾ ਗਵਰਨਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਂ ਸਪੀਕਰ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਗਵਰਨਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਆਏਗਾ ਇਹ ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਗਵਰਨਰ ਆਫ ਦਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਮ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਪੋਸਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕੁਝ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਗਵਰਨਰ ਆਏਗਾ ਨੋਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਈਵਨ ਬਿਫੋਰ ਦਾ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਆਫ ਇਟਸ ਟਰਮ ਹੁਣ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਡਿਸੋਲਵ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਜੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਵਿਨੇ ਚੌਧਰੀ ਟੈਂਸ਼ਨ ਕਾਹਨੂੰ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਇਆ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਆਫ ਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਜ਼ ਚਾਰਜਡ ਔਨ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਿਡ ਫੰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਠੀਕ ਹੈ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਿਡ ਫੰਡ ਆਫ ਸਟੇਟ ਕੰਟੀਜੈਂਸੀ ਫੰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਕੰਟੀਜੈਂਸੀ ਫੰਡ ਆਫ ਸਟੇਟ ਹਾਂਜੀ ਐਗਜੈਕਟਲੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਆਫ ਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਿਡ ਫੰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਿਡ ਫੰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪੇਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟੀਜੈਂਸੀ ਫੰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਫੰਡ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹ 'ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੋਈ ਫੰਡ ਵਗੈਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਰੋ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਸਟੇਟ ਹੈਵ ਫਿਫਥ ਸ਼ਡਿਊਲ ਏਰੀਆਸ ਹਾਂਜੀ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਏਰੀਆਸ ਨੇ ਫਿਫਥ ਸ਼ਡਿਊਲ ਏਰੀਆਸ ਪਲਕ ਚੌਧਰੀ ਬੱਚਾ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਏਗਾ ਗਵਰਨਰ ਠੀਕ ਹੈ ਡਿਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਿਡ ਫੰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਇਆ ਕਿੰਨੇ ਫਿਫਥ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਹਾਂਜੀ 10 ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਇਨਕਲੂਡ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ 11 ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਇਨਕਲੂਡ ਹੋਣਗੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਗੁਜਰਾਤ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਝਾਰਖੰਡ ਮੱਧਿਆ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ ਉੜੀਸਾ ਐਂਡ ਰਾਜਸਥਾਨ 11 ਹੈ ਅਤੇ 11ਵਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਤੁਸੀਂ 11ਵਾਂ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ 11ਵਾਂ ਦੱਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ 11ਵੇਂ ਹੈਗਾ ਬਈ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਗੁਜਰਾਤ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਝਾਰਖੰਡ ਮੱਧਿਆ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਉੜੀਸਾ ਐਂਡ ਰਾਜਸਥਾਨ 11ਵਾਂ ਦੱਸੋ ਜੀ 10 ਹੈ ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਔਰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਮਤਲਬ ਸੈਂਟਰਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹ ਰਿਕਮੈਂਡਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਐਂਡ ਦਾ ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਆਲ ਆਫ ਦਾ ਅਬਵ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਆਫ ਕੌਂਸਲ ਲੋਕਲ ਸੈਲਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੋਲਿਸੀ ਮੈਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਕਰਨਾ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਨਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਹੀ ਹੋਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਮੇਜਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਰੀਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ PDF ਮਿਲੇਗੀ ਇਹਨੂੰ ਰੀਡ ਆਊਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆਨਸਰ ਸਾਰੇ ਹੋਣਗੇ PDF ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੂ ਇਜ਼ ਇੰਪਾਵਰਡ ਟੂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਦੈਟ ਐਨੀ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਸਟੇਟ ਐਕਟ ਆਫ ਅ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਔਰ ਦਾ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਉਹ ਸ਼ਡਿਊਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਹੋਏਗਾ ਬਟ ਕੁਛ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਲਾਅ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪਾਵਰ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸ਼ਡਿਊਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਲਾਅ ਅਪਲਾਈ ਹੋਣਾ ਹੈ ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਏਗੀ ਹਾਂਜੀ
ਗਵਰਨਰ ਕਹੇਗਾ ਹਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹਟਿਆ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਨਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਡੀ ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਐਕਟ ਹੈ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫੋਰ ਦਾ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਆਫ ਰੇਲਵੇ ਕਲੇਮਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਯੈਸ ਕਿਹੜਾ ਐਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫੋਰ ਦਾ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਆਫ ਰੇਲਵੇ ਕਲੇਮਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਹਾਂਜੀ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਏਗਾ 1987 ਦਾ ਐਕਟ ਰੇਲਵੇ ਕਲੇਮਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਐਕਟ 1987 ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜੀ ਕੇ ਜੀ ਐਸ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਕੀਤੇ ਪੋਲਿਟੀ ਸਟੈਟਿਕ ਜੀ ਕੇ ਏਨਸ਼ੰਟ ਹਿਸਟਰੀ ਮੈਡੀਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਲਚਰ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਂਪਲਸ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਸ਼ਚਨਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਤੁਹਾਡੇ ਈ ਵਾਲੀ ਡਾਂਸਿਸ ਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਸ਼ਚਨਸ ਕਰਵਾ ਤੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਕਚੁਅਲ ਕੁਸ਼ਚਨਸ ਵੀ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਕੁਸ਼ਚਨਸ ਅੱਜ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਰੇਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਹਫਤੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਕੁਸ਼ਚਨਸ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੂ ਅਪੁਆਇੰਟਸ ਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਐਂਡ ਦਾ ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਾਂਜੀ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਪਏ ਹੈ ਕੁਸ਼ਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਕੌਣ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੂ ਅਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਐਂਡ ਦਾ ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਇੱਕ 6 ਮੈਂਬਰ ਕਮੇਟੀ ਬਿਠਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨੂੰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰ ਪਰਸਨ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਵਿਦ ਰਿਗਾਰਡ ਟੂ ਦਾ ਇਲੈਕਟਰਲ ਰੋਲ ਸਿਸਟਮ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 324 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 329 ਤੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹਾਂ ਪਾਰਟ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲ ਸਿਸਟਮ ਇਨ ਅਵਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 324 ਆਰਟੀਕਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨਸ਼ੋਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕੇ ਫਰੀ ਅਤੇ ਫੇਅਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ 15th ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੂ ਅਪੁਆਇੰਟਸ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਂਡ ਦਾ ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਆ ਜੁਆਇੰਟ ਸਟੇਟ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਂਡ ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਦਾ ਜੁਆਇੰਟ ਪਬਲਿਕ ਸਟੇਟ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸਟੇਟ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੋ ਸਟੇਟ ਦੀ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੇਪਰਸ ਵਗੈਰਾ ਲੇਗੀ ਅਤੇ ਵੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅਦਰ ਮੈਂਬਰਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ 6 ਸਾਲ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਾਂ 62 ਈਅਰਸ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੈਕਸੀਮਮ 62 ਈਅਰਸ ਤੱਕ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਗਈ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬੀ ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਟ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕੰਡਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫੋਰ ਦਾ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਸਰਵਿਸ ਆਫ ਦਾ ਸਟੇਟ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਕੰਸਲਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਨ ਦਾ ਮੈਟਰਸ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕੰਡਕਟ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਦੂਜਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰਸਨਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਸਲਟ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਬੋਥ 1 ਐਂਡ 2 ਸਟੇਟ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ PPSC ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬੱਚਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਲਓ ਓਪਸ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ ਦਾ ਵੀ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ IPC ਦੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ
ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਆਈਪੀਸੀ ਵਿਲ ਨਾਟ ਅਪਲਾਈ ਟੂ ਦ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟ ਡਨ ਬਾਈ ਵਨ ਪਰਸਨ ਈਵਨ ਬਿਫੋਰ ਇਫ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਅ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਫ ਐਕਟਸ ਐਂਡ ਅਪਲਾਈ ਟੂ ਦ ਸੈਵਰਲ ਪੀਪਲ ਕਮਿਟਿੰਗ ਐਨ ਐਕਟ ਆਈਪੀਸੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚਾਈਲਡ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਈਲਡ 7 ਈਅਰਸ ਓਲਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 82A ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਪੈਨਲ ਕੋਡ ਆਫ ਦ ਈਅਰ 1860 ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 82 ਆਏਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ 22 ਆਵੇ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇੰਡੀਅਨ ਪੈਨਲ ਕੋਡ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈਪੀਸੀ ਵਿਲ ਨਾਟ ਅਪਲਾਈ ਟੂ ਦ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟ ਡਨ ਬਾਈ ਵਨ ਪਰਸਨ ਯੈਸ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 34 ਆਏਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 82 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚਿਲਡਰਨ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਅਗਰ ਉਹ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 34 ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਸੀ ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ओके चलिए अगे वाले क्वेश्चन दी और नेक्स्ट क्वेश्चन किन्ने क्वेश्चन रह गए थक गए अज तुसी बस थोड़े जे क्वेश्चन जोर कर लो बचा अगली क्लास जिहड़ी है आपां लगानी है एसएससी दे प्रस्पेक्टिव दे नाल है अजे लास्ट क्वेश्चन कर लो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन ये है आर्टिकल नंबर 21A पार्ट नंबर 3 इनू राइट टू एजुकेशन 2009 दे तहत जो है एडप किया गया कि जरा कंपलसरी एजुकेशन जी है 6 तो लैके 14 साल तक बच्चे को देनी चाहिए है फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिड है हुण अज का जो आप मैराथन है इसको आप कंप्लीट करते हैं क्योंकि मेरा एक अगला सैशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट सैशन जिद एससी के बारे कुछ इंपॉर्टेंट गल कर वो भी तुम सारे ने लैना है नाल दी नाल अगर तुम्हें अज का लैक्चर वधिया लग्या है कमेंट्स करके जरूर दस्योगा अज आप बहुत सारे क्वेश्चन किए रिविजन पॉलिटी हिस्टरी ਐਂਸ਼ੀਅਨਟ ਹਿਸਟਰੀ ਮੈਡੀਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਨ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਅਪਕਮਿੰਗ ਲੈਕਚਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ SSC ਕਿਉਂ ਫਿਲਅਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਗਜ਼ਾਮਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ PSSB ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਬੈਚਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੇ ਲਾਂਚ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਰਫਤਾਰ ਬੈਚ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਰਫਤਾਰ ਬੈਚ 15 ਦਿਨ ਆਪਾਂ 15 ਮਾਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰਸ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਪਏਗਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੋਡ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹਾਂ YAT77 ਸਸਤਾ ਹੀ ਪਏਗਾ 78% ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਲੈਟ ਮੀ ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਲੈਟ ਮੀ ਟੈਲ ਯੂ YAT77 ਲਗਾਇਆ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਏਗਾ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਖਰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਹਾਬੈਂਕ ਦੀ ਔਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ SI ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਆਪਾਂ 30th September ਤੱਕ ਬੇਸਿਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਡਵਾਂਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦਾ ਬੈਚ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਡਾ ਕਹਿ ਲਓ 90% ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸਿਰਫ 10% ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋਗ੍ਰਾਫੀ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਏਨਸ਼ੀਅੰਟ ਹਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਮੈਡੀਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਆਲਮੋਸਟ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਇਸੀ ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡਿਡ ਵਾਚ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੈਕਚਰਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਗਾਈਜ਼ ਹੈਵ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਡੇ ਜਿਹੜੀ PDF ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਡੇ ਤੱਕ ਬੱਚਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਹਜੇ ਟੀਮ ਅੱਜ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਲਗਵਾ ਦਾਂਗੀ ਸਾਰੀ ਜੀ PDF ਓਕੇ अच्छा लगे आज का सैशन चलो हैव अ ग्रेट डे ठीक है करदा क्लोज अगले सैशन के मिलते हैं SSC वाले सैक्शन सैशन